इवनिंग एवरीबडी कैसे हैं आप लोग प्लीज सबसे पहले कंफर्म करें अगर आप सुन पा रहे हैं आवाज पहुंच रही है सब तक तो प्लीज कंफर्म कर दें वेरी गुड इवनिंग जल्दी से बताइए तो सबसे <coughs> सब पहले आई होप आवाज आ रही हो प्लीज कंफर्म कर दो क्या सब तक आवाज पहुंच रही है ओके okay. So, एक मिनट मुझे दीजिए आई थिंक दिस वायर गॉड एंड सही कर ओके करूके बिल्कुल टॉर्शनल कांस्टेंट जैसे चीज हो गई है <laughs> वायर पूरा एंटेंगल हो गया टॉर्शनल एसएचएम पढ़ा था ना ट्विस्ट हो जाता है फिर अपने आप अनट्विस्ट होता है तो वो वाली चीज हो गई है ओके okay. तो यार आज आ गए हैं हम लोग वापस से विद अ चैप्टर ऑफ फर्स्ट प्रायोरिटी याद है वो सेशन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स इन फिजिक्स मैंने आपको बताए थे ठीक है हैरानी की बात है कि काफी लोग अभी भी पूछ रहे हैं कि फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बना दो अरे यार थोड़ा चैनल का प्लेलिस्ट देख लिया करो ठीक है चैनल पे जाओ वीडियोस में जाओ वहाँ पर आपको दिख जाते हैं ठीक है ऑलरेडी फिजिक्स का हो चुका है फिर भी कुछ लोग पूछे जा रहे हैं फिजिक्स का बताओ मोस्ट इम्पोर्टेंट फिजिक्स का बताओ तो प्लीज़ चेक कर लिया करें कुछ लोगों को ये नहीं मिल पता कि कौन कौन से टॉपिक्स के वन शॉट ले लिया मैंने ऑलरेडी कोई बोलता है रे ऑप्टिक्स का सर दोबारा से लो आ, या ले लो ये बोलते हैं तो सर्च कर लिया करो कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना है ना टॉपिक का नाम डाला उसके आगे मेरा नाम डाल दिया और आपको वो लेक्चर सामने दिख जाएगा सर्च में ठीक है तो सर्च कर लिया करें टॉपिक नेम विद नेम एंड यू विल गेट इट ठीक है तो ये तरीका होना चाहिए तो सबसे पहले तो आवाज आ रही है ना क्लियर है आवाज आ रही है ऑल राइट right. ठीक है सर पीडीएफ अपलोड करिए अब ये देखिए ये एक और बात सब लोग कहते रहते हैं पीडीएफ अपलोड करिए अपलोड करे चार दिन हो चुके हैं जो मेरी कम्युनिटी है उस पर ऑलरेडी पीडीएफ अपलोड हो गया था तुरंत लेक्चर के बाद पीडीएफ अपलोड हो गया था मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का भी उसी दिन हो गया था अपलोड तो आप एजुकेटर कम्युनिटी पे आ जाएं वहां पर ऑलरेडी अपलोडेड है ठीक है इसके अलावा और कहाँ पे अपलोडेड है मैं भी आपको बता देता हूँ तो सबसे पहले रेडी है सब लोग टॉपिक के लिए ऑल <laughs> राइट right. सर आप ये सीरीज रोकना मत हाँ नहीं रोकेंगे चलते रहने देंगे है ना चलो आगे बढ़ते हैं तो यार आज पढ़ने वाले हैं बड़ा डेंजरस टॉपिक और अभी इसकी बात भी खूब चल रही है न्यूज में क्योंकि ऐसा कह दिया गया है कि मिस्टर पुतिन ने अपने न्यूक्लियर ट्रायड को रेडी रहने को बोल दिया है अलर्ट पे डाल दिया है तो वैसे तो होगा नहीं कुछ बट ये टैक्टिक्स ही हैं डराने की कि हम न्यूक्लियर हमला कर देंगे अगर हमारी नहीं माने तो बट न्यूक्लियर से लेना देना है और वही न्यूक्लियर आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि क्या ऐसा डेंजरस है इसमें ठीक है चलो तो शुरू करते हैं इसको सबसे पहले जो आज नए लोग हैं उनको मैं बताऊं कि यार ये मेरा इंट्रो है आई एम टीचिंग फ्रॉम पास्ट सेवन ईयर बी टेक किया है मैंने एनआई टी कैलिकट सेवन हंड्रेड सिलेक्शन दिए मैंने एडवांस में और सिक्स थाउजेंड प्लस दिए मेंस में बेस्ट फ्रेंग इन टू डिजिट्स ये मेरे बारे में थोड़ा है ये वो टेलीग्राम चैनल है जो आप ज्वाइन कर सकते हैं इफ यू वॉन्ट टू हैव दी एक्सेस टू नोट्स तो दो जगह तुरंत एक्सेस मिल जाता है एक तो ये टेलीग्राम चैनल पे और दूसरा एजुकेटर कम्युनिटी पे एजुकेटर कम्युनिटी पे कैसे जाएं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी ठीक है इट्स एब्सोल्युटली फ्री जस्ट लाइक टेलीग्राम ठीक है बस अन एकेडमी आपके ऊपर है उसमें कोड पूछे कई बार तो कोड में अभिलाष डाल देना एंड यू कैन एक्सेस इट फॉर फ्री चलो अगर आप लोग प्लेटफॉर्म पे आना चाह रहे हैं क्योंकि वहां पर बैचेस चल रहे हैं मंजिल बैच जैसे एक मैं ले रहा हूँ और भी दूसरे एजुकेटर्स के चल रहे हैं तो अगर आप प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हो आई कॉन अगैन दीज थिंग्स यू वॉन्ट टू टेक तो बस एक चीज बता के आपको आगे बढ़ू कि यही कोड याद रख लें अन अकेडमी में कुछ भी आप कर रहे हो और आपको कहीं कोई कोड पूछे तो तुरंत ये डाल दिया करो तो जो भी चीजें फ्री हैं वो फ्री में एनरोल हो जाएंगी आपको इससे जहां पर कोई डिस्काउंट लगना होगा ऑफर लगना होगा वो लग जाएगा ठीक है सो जस्ट रिमेंबर दिस कोड एंड लेट स्टार्ट विद द टॉपिक नाउ ठीक है तो रेडी है सब लोग न्यूक्लिया स्टार्ट ओके तो न्यूक्लिया देखो बड़ा ही अमेजिंग सा टॉपिक और क्यों अमेजिंग सा है क्योंकि ये सबसे माइन्यूट स्टडी है अभी तक की इसीलिए इसको मॉडर्न फिजिक्स कह रहे हैं अभी तक का सबसे माइन्यूट डीपेस्ट स्टडी अगर कोई है तो न्यूक्लियर फिजिक्स है कैसे अब आप देखिए कि ह्यूमन ने जब से स्टार्ट किया मैनकाइंड ने तब से क्या पढ़ रहा है वो तब से पढ़ रहा है ऑब्जेक्ट्स के बारे में उसके आसपास व्हील का इन्वेंशन किया पहिया बना लिया बहुत सारी चीजें मटेरियल के बारे में स्टडी कर ली अपने आसपास फिर उसको मन हुआ कि देखें ये मटेरियल बना किससे तो क्या समझा वो वो समझा कि यार ये मटेरियल बना हुआ है आपका मॉलिक्यूल से ठीक है फिर मॉलिक्यूल में सोचा मॉलिक्यूल किससे बनाए तो कहा भाई एटम से एटम के वेरियस स्ट्रक्चर्स आए रदरफोर्ड स्ट्रक्चर जे जे थॉम्सन तो पहली फ्लॉप हो गया फिर रदरफोर्ड आया फिर वो फ्लॉप हुआ फिर नील बोर मॉडल आया वो हुआ है ना तो एटम के बारे में स्टडी करी और पूरी केमिस्ट्री इसी पे बस रह जाती है केमिस्ट्री ऑन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पर फोकस करते हैं देन यू आर टॉकिंग अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ठीक है ये क्या कहलाती है केमिकल प्रॉपर्टीज तो जब आप एटम की पूरे की स्टडी करोगे बाहर देखोगे कि दो मॉलिक्यूल क्यों बॉन्ड बनाते हैं दो एटम क्यों बॉन्ड बनाते हैं सारी थियोरी इलेक्ट्रॉन को लेके राइट रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन क्या अभी तक आपने ये देखा था कि जो अंदर छोटा सा न्यूक्लियस है वो किस तरह से चीजों को अफेक्ट कर सकता है अभी तक हमने नहीं सोचा ये केमिस्ट्री में आप इसी में पढ़ते जाते हैं सारी ऑर्गेनिक फिजिकल इनऑर्गेनिक सब कुछ केमिकल पे रह के रुक जाता है पहली बार आप जंप कर रहे हो वो अंदर छोटी सी चीज विच इज न्यूक्लियस इसमें आप जंप करोगे और दिखता भी बड़ा ब्यूटिफुल है और सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड पूरे एटम का पार्ट इज दिस न्यूक्लियस ओनली तो पहली बार इस न्यूक्लियस पे फोकस करेंगे अंदर जैसे जैसे स्टडी हुई हमें न्यूक्लियस में हमें पता चला कि यार न्यूक्लियस के अंदर सबसे पहले तो हमें एक सुपरफिशियल लेवल पे पता चला कि अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बसते हैं है ना? ये पता चला फिर स्टडी और प्रोफाउंड होती गई और अंदर हम जाते गए अभी हमें उसके अंदर का भी स्ट्रक्चर देखना है अंदर का स्ट्रक्चर जब हमने देखा तो पाया कि यार एक अगर प्रोटॉन जो है ना देखो पूरे एटम्स में से एक न्यूक्लियस ठीक है फिर इसका भी एक पोर्शन को मैक्सिमाइज करो एक प्रोटॉन को देखो एक प्रोटॉन को भी जब मैग्नीफाई करके देखोगे ना तो अंदर क्वार्क्स और ग्लू मिलेंगे और अब थोड़े समय के लिए रुक जाइए फिर हम ये जो एक एक क्वार्क और ग्लूऑन है ना इसका भी मैग्निफाई करके देखेंगे वो भी किससे बने तो समझ रहे हो साइंस डीपर 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 जाता जा रहा है और ये जितना डीपर जाता जाएगा उतनी जो ब्रह्मांड की गहराइयां हैं रहस्य हैं वो अपने आप प्रकट होते चले जाएंगे तो ठीक है और इसीलिए दोस्तों ये जो पता चला ये कैसे चला क्या एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं जो हमें ये सब बता रहे हैं अभी जो लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं दे आर लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर आपने सुना ही होगा एल के बारे में तो ये यूरोप के अंदर एक फैसिलिटी अंडरग्राउंड एक सर्कुलर कोलाइडर है ठीक है वो सर्कुलर कोलाइडर क्या करता है हाई स्पीड प्रोटॉन लेता है प्रोटॉन को तो पहले खूब तेजी से वो एक्सेलरेट करता है और एक मैग्नेटिक फील्ड में भेज देता है अब अगर प्रोटॉन मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड तो कैसा मोशन करेगा सर्कुलर है ना तो प्रोटॉन्स जो है बड़ी तेजी से सर्कुलर मोशन में चलते रहते हैं इसलिए जो लैब भी है ना लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर की वो सर्कुलर होती है और बहुत बड़ी लैब है कितनी बड़ी है आप समझ रहे हैं कि उसको दो तीन देशों में कवर हो जाती है वो आधा पार्ट उसका फ्रांस में है आधा स्विट्जरलैंड में है ऐसे करके कई उसमें वो लैब कंट्रीज के बीच में शेयर्ड है सर्कुलर लैब इतनी बड़ी है कि उसका डायामीटर लगभग तीस किलोमीटर का है अब आप सोच सकते हैं लैब के आप एक कोने से चले और डायमेट्रिकली ऑपोजिट जाएंगे तीस किलोमीटर चलना पड़ेगा इतनी लंबी लैब ठीक है और वहां से हमें कई सारे अंदर पार्टिकल्स के बारे में पता चला कैसे पता चला वो जो हाई स्पीड प्रोटॉन था ना उसको हमने मारा न्यूक्लियस पे क्योंकि यार देखो अब हम कोई हमारे पास माइक्रोस्कोप तो है नहीं जिससे देख लें न्यूक्लियस के अंदर तो क्या तरीका है अगर आपको पता लगाना है इसके अंदर क्या है तो क्या कर सकते हो आप बोलो मैं देख तो नहीं सकता लेकिन इस पर उठा के एक प्रोटॉन मारो और प्रोटॉन मारो तो ये टूटेगा और टूटेगा तो इसके अंदर से कुछ चीजें निकलेंगी वो फिर हम देख पाएंगे ठीक है तो ये तरीका है जो अब हम अपना रहे और इससे कई सारे अंदर के राज हमें पता चले कि कैसे प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स के अलावा भी कई पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं पॉजिट्रॉन एग्जिस्ट करता है इलेक्ट्रॉन का भाई पॉजिटिव चार्ज का फिर हमें पता चला कि इसके अलावा जो एग्जिस्ट करते हैं वो हैं बहुत सारे न्यूट्रीनोज एंटी न्यूट्रीनोज और ये डिस्कवरीज चलती गई चलती गई लेटेस्ट डिस्कवरी आपको पता है कब हुई है 2013 में उसी एल से उसी एल से 2013 में पता चला कि गॉड्स पार्टिकल भी एग्जिस्ट करता है जिसको हम प्रोटॉन खींच के मार रहे हैं न्यूक्लियस पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब न्यूक्लियस टूटेगा अंदर से कुछ नया पार्टिकल निकलेगा नहीं निकल रहा है 2013 के बाद कुछ नहीं पता चला तो अब फिजिसिस्ट ने क्या सोचा कि यार अब हमें पता तो लगाना है हमें पता है कि क्या कहा आप हैरान उन्होंने ये जो है ना जिसका डायामी 27 किलोमीटर उन्होंने कहा लैब छोटी है दिस इज अ वेरी स्मॉल लैब इसीलिए अब हम इन्वेंशन नहीं कर डिस्कवरी नहीं कर पा रहे तो हम तो हैरान होते सुन के सला सत्ताइस किलोमीटर लंबी लैब तुम्हें छोटी लग रही है तो अब उन्होंने यूएस में उसका भी बाप बनाया है तो एल जो था लार्ज एट्रॉन कोलाइडर उसका भी बाप अब बनाया है, है जिसका नाम फ्यूचर सर्कुलर जानते हैं कितना है हंड्रेड किलोमीटर लैब के एक कोने से शुरुआत करेंगे दूसरे कोने तक जाएंगे सौ किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ेगा तब जाके आप लैब को खत्म करेंगे इतनी लंबी लैब समझ रहे हैं? तो अब FCC में हम पार्ट हम प्रोटॉन को और ज्यादा स्पीड से भगा पाएंगे आप समझ हो क्यों दिक्कत आती है देखो चार्ज पार्टिकल का रेडियस कितना होता है एम अपॉन क्यूबी जितना ज्यादा आप इसको भगाओगे जितना ज्यादा इसको स्पीड दोगे उतना बड़ा लैब बनानी पड़ेगी है ना क्योंकि वो उसका रेडियस जो है सर्कुलर मोशन का वो बढ़ता चला जाएगा अगर रेडियस बढ़ेगा तो आपको बड़ी लैब की जरूरत होगी और हम क्या कर रहे हैं उसको स्पीड अप करे जा रहे हैं जितना तेजी से मारेंगे उतना और अंदर से चीजें निकल के आएंगी तो समझ में आ गया आपको <laughs> क्लियर है ओके okay. तो अब इस न्यूक्लियस की अभी तक जो स्टडी हुई है वो समझ लेते हैं क्या क्या स्टडी अभी तक हमारे पास है राइट right? सो so अभी तक जो हमारे पास स्टडी है इस न्यूक्लियस की वो है अबाउट इट्स रेडियस कि न्यूक्लियस का रेडियस कैसे वेरी करता है न्यूक्लियस का रेडियस पाया गया वेरी करते हुए कुछ इस तरह ये जो रेडियस आप देख रहे हैं इसका वेरिएशन पाया गया r इक्वल आर नॉट ए रेस टू वन बाई थ्री ए क्या यहां पर समझ रहे हैं तो बेसिकली हम कह रहे हैं r प्रोपोर्शनल पाया गया मास नंबर के क्यूब रूट के दैट्स हाउ रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू ऑफ एनी न्यूक्लियस अब ये मास नंबर वगैरह कई बार कंफ्यूजन होता है तो मैं एक बार मैं आपको बता देता हूं कोई भी एलिमेंट दिया है एक्स तो उसमें नीचे आपको एक चीज लिखी होती है Z लिखा होता है ठीक है और ऊपर एक चीज लिखी होती है A, कोई भी एलिमेंट में दिया होता है केमिस्ट्री में तो वैसे आपने पढ़ाई है बट फिर भी एक आपको रिमाइंडर करा दू Z यहां पर रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना उसी से एटॉमिक नंबर वगैरह पता चलते हैं हमें तो जेड है प्रोटोन नंबर ऑफ प्रोटोन और ए क्या है ए जो है वो एडिशन है टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स तो ए क्या है यहां पर ए इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जैसे अगर मान लो ये आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन है तो ए को मैं लिखूंगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों को सम कर दो एंड देन यू गेट दैट नंबर ए और इस ए को हम कहते क्या है मास नंबर इसीलिए ए का नाम है मास नंबर क्योंकि अब आप सोचिए इसको मास नंबर क्यों बोला क्योंकि किसी भी एटम का एक्चुअल वेट ये पूरा एटम जो आप देख रहे हैं क्या ये इलेक्ट्रॉन्स का कुछ वेट होगा क्या नेग्लिजिबल कुछ भी नहीं है जो 99% परसेंट एक एटम का वेट होता है इट कम्स फ्रॉम द न्यूक्लियस इट 99 भी मैंने बहुत कम बोल दिया 99.99 परसेंट .99 जो एक एटम का वेट होता है इट कम्स फ्रॉम इट्स न्यूक्लियस तो अगर मास किसी का है तो दैट इज ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ये इलेक्ट्रॉन्स को आप भूल जाओ ये केमिस्ट्री है ठीक है केमिस्ट्री भी अब बहुत सुपरफिशियल <laughs> लेवल पे लगेगी बाहर ही घूम रही है केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉन्स पे और हम अब एंटर कर चुके हैं न्यूक्लियस में ठीक है तो अब मास नंबर रिलेटेड किससे है इस न्यूक्लियस से ओके तो इसलिए इसको कहा मास नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर मिला के right? अब मुझे पता है जेड नंबर ऑफ प्रोटोन है और ए जो है दोनों का सम है यानी कि एक तरह से अगर मुझे लिखना है तो मैं ये कहूं नंबर ऑफ तो बेसिकली ए है क्या तो जेड तो हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और ए क्या हो गया ए हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है ना यही लिखा है, Z आपका है और ए क्या है Of plus तो अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चाहिए तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर किसी दिन कोई मांग ले तो ए माइनस एन पी और एन पी है कितना Z तो डायरेक्टली मैं लिख दूं Z A माइनस जेड तो A माइनस जेड क्या होता है A माइनस जेड होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और Z डायरेक्टली होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो अब ये कहानी पता है आपको ठीक है क्लियर है ये तो पता ही होगी बस एक क्विक आपको करा दिया तो ये पाया गया कि रेडियस ऑफ एनी न्यूक्लियस सिर्फ न्यूक्लियस की बात चल रही है है अभी एटॉमिक एटॉमिक रेडियस रेडियस नहीं भी बहुत बड़ी बात हो गई समझ रहे अब हमारे लिए बहुत बड़ी हो गई ऑर्बिट रेडियस ये वाला रेडियस होगा कि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूम रहा है न्यूक्लियस से कितनी दूरी पे अब तो सोचो हमारे लिए इतनी बड़ी चीज है कि हम इसके अंदर आ गए और अंदर आने के बाद इसके रेडियस की बात कर रहे हैं न्यूक्लियस की तो इसलिए सबसे डिटेल्ड स्टडी है न्यूक्लियर फिजिक्स ठीक है तो इसका रेडियस पाया गया प्रोपोर्शनल टू ए की पावर वन बाई थ्री ऑब्बियसली बात है कि जैसे जैसे मास नंबर बढ़ाते जाओगे जैसे जैसे और न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स जुड़ते चले जाएंगे इसके अंदर तो उतना उतना रेडियस इसका बढ़ता चला जाएगा और ये इसका रिलेशन फिर पाया गया एक हमने प्रपोर्शनैलिटी हटा के कॉन्स्टेंट लगा दिया विच इज आर नॉट ठीक है आर नॉट की वैल्यू ये आपके सामने लिखी है 1 .1, to -15. ये ये -15 क्या होता है? फर्मी होता है? पता है. है पता ना? Smallest unit for measurement is फर्मी. ये सब लोग जानते हैं. एक फर्मी कितनी होता है एक फर्मी होता है टेन रेस टू नेगेटिव फिफ्टीन स्मॉलेस्ट इन ऑल काइंड ऑफ कैलकुलेशन वन फर्मी इज टेन रेस टू नेगेटिव फिफ्टीन मीटर्स तो इसीलिए न्यूक्लियस की स्टडी जो होती है उसको कहते हैं फर्मी लेवल स्टडी हम फर्मी लेवल पे आ चुके हैं ठीक है चलो तो रेडियस का वेरिएशन समझ में आ गया जस्ट इस फॉर्मूला पे मेन क्वेश्चन पूछता है और जस्ट 2020 में पूछा है देख लो 2020 में एक क्वेश्चन आया ऑन रेडियस ऑफ न्यूक्लियस पे देखिए क्या कह रहा है कह रहा है द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर ए कैन बी एस्टिमेटेड इसने सीधा फॉर्मूला ही दे दिया कौन सा फॉर्मूला जो अभी मैंने आपको दिखाया ना आर नॉट ए वन बाय थ्री वही फॉर्मूला क्वेश्चन में दे दिया आर नॉट ए वन बाई थ्री ये ब्रैकेट क्या है आर नॉट जो हमारा आर नॉट था उसकी वैल्यू भी बेसिकली यहां दिख रही है ठीक है अब क्या बोल रहा है इट फॉलोज दैट मास डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज ऑफ ऑर्डर ऑफ डेंसिटी बताओ न्यूक्लियस की रेडियस दिया हुआ है न्यूक्लियस का उसकी डेंसिटी हमसे पूछ रहा है डेंसिटी का ऑर्डर तो कैसे निकालते हैं डेंसिटी डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम ठीक है मास अपॉन वॉल्यूम होता है ऑल राइट मास कितना है बताइए व्हाट इज द मास तो यार यहां पर ना इस न्यूक्लियस के अंदर तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रिसाइड कर रहे हैं लेट्स से उनका एक का मास स्मॉल एम है और इन्होंने दे भी दिया है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट इक्वल मानो तो प्रोटॉन एज वेल एज न्यूट्रॉन दोनों का मास में क्या ले रहा हूँ स्मॉल एम ठीक है तो बताइए कि टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा तो एक प्रोटॉन का मास टाइम्स जितने वो प्रेजेंट है अंदर तो एक का मास स्मॉल एम है और अंदर कितने प्रेजेंट है तो सम ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स क्या होता है यही तो मास नंबर होता है इतने नंबर ऑफ देम आर प्रेजेंट इनसाइड इनको कंबाइंडली पता है क्या बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स

अगर आप आर सब्सटीट्यूट करोगे तो दिया हुआ है आर नॉट ए रेस टू वन बाई थ्री है ना और उसका भी क्यूब करना है हमें ठीक है तो क्यूब करोगे तो क्या होगा तो क्यूब करोगे तो नीचे बस ए बच जाएगा आर नॉट का क्यूब हो जाएगा एंड ए की पावर वन बाई थ्री का क्यूब सिर्फ ए हो गया तो यहां पर ए से ए कैंसिल हुआ क्या बचा अब हमें अब हमारे पास बचा है मास ऑफ न्यूट्रॉन और, और प्रोटॉन दोनों का हमने एम ही माना है इसी को मैंने स्मॉल एम लिया है है ना न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास को ओके यहाँ पर नीचे है फोर बाय थ्री पाए एक काम करते हैं पाए को थ्री पॉइंट वन फोर है ना तो अप्रोक्सीमेट ही कर देते हैं थ्री के थ्री पॉइंट वन फोर होता है तो मैं अप्रोक्सीमेट कर दे रहा हूं उसको थ्री पॉइंट वन फोर इसको काट देते हैं थ्री से ठीक है r नॉट क्यूब आर नॉट ये रहा ब्रैकेट इसका क्यूब करना है हमें वन पॉइंट थ्री इंटू टेन रेस टू नेगेटिव फिफ्टीन ठीक है ये रहा है ना समझ में आ गया इसका क्यूब करना है लो भाई क्यूब कर दिया हमने ओके अब बताइए क्या और क्या करें और आप ये करो कि स्मॉल एम की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर दो वन पॉइंट सिक्स सेवन चलिए ये भी कर देते हैं तो वन पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन रेज टू नेगेटिव ट्वेंटी सेवन एम की भी वैल्यू सब्सिट्यूट कर दी अब आप देख लीजिए कि यहाँ पर क्या आ जाएगा जस्ट चेक कि क्या आने वाला है तो नीचे तो नेगेटिव फोर्टी फाइव हो रहा है ना नेगेटिव फोर्टी फाइव जब ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव फोर्टी फाइव पॉजिटिव फोर्टी फाइव और ट्वेंटी सेवन तो बताइए कितना होगा पावर एटीन आएगा ठीक है? और यहां पर क्या हो गया यहां पर हो गया और नीचे देखिए इसको मैं क्या लिखता हूं? 4 है, का है, का तो पहले तो इसका स्क्वायर ले लेते हैं है ना तीन बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1 .3, 1 .3, 1 .3. 13 का क्या होगा? होता है, तो दो को मल्टीप्लाई कर दिया एक 1 1.3 फिर भी बचेगा ठीक है समझ में आ गया ऐसे कैलकुलेशन करी मैंने अब ये और ये एप्रोक्सीमेटली कट जाएंगे एप्रोक्सीमेटली तो ये सब एप्रोक्सीमेशन है एप्रोक्सीमेशन में चलना है नीचे कुछ 4 पॉइंट समथिंग हो जाएगा 4 पॉइंट समथिंग होगा तो ऊपर क्या आएगा ये 1 अपॉन 4 ही समथिंग है तो 0.2 के आसपास इसको 5 भी कर सकते हैं हम चाहे तो कौन कौन से चैप्टर थे बताइए न्यूक्लिया भी था और साथ साथ यूनिट्स मेजरमेंट भी दिया हुआ था मैंने प्रायोरिटी वन में क्यों यूनिट्स एंड मेजरमेंट जरूरी है हर जगह यूज हो जाता है अब आप देखिए ये तो चलो गनीम उन्होंने 17 के बाद एक 18 अगर मैं गारंटी से कह रहा हूं ये थोड़ा सा दिमाग लगाते 18 भी एक ऑप्शन देते निन्यानवे प्रतिशत लोग गलती कर देते 18 ही ऑर्डर ले लेते तो यहां यूनिट्स डायमेंशन का नॉलेज जरूरी है यूनिट डायमेंशन में मैंने आपको बताया था कि जब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिया जाता है तो क्या करते हैं जो सामने वाली क्वांटिटी है वो किसके बीच में होना चाहिए पॉइंट से फाइव के बीच में अभी यह पॉइंट से छोटी है तो इसको पॉइंट से फाइव के बीच में लाने के लिए क्या करेंगे इसको लिखेंगे टू इन टू टेन रेस टू सेवेंटीन अब आप ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बता सकते हो तो दैट इज डी ऑप्शन समझ में आया तो यूनिट्स डायमेंशन भी लग जाता है जहां पर आपने सोचा भी ना हो उस जगह ठीक है क्लियर ओके तो प्लीज हर एक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है देख लीजिए समझ में आ गया होगा डेंसिटी पूछी थी न्यूक्लियस की मास अपॉन वॉल्यूम लगा के निकाल दिया मास मैंने ले लिया एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास जो कि लगभग बराबर है टाइम्स उनका नंबर वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया और वैल्यूज दैट्स सेट क्लियर है चलो अब देखो 2019 में भी आया 20 में आया न्यूक्लियर डेंसिटी से 19 में भी आया देखो क्या कह रहा है रेशो ऑफ मास डेंसिटी ऑफ न्यूक्लिया ऑफ कैल्शियम एंड ऑक्सीजन इज रेशो ऑफ मास डेंसिटीज तो मास डेंसिटी यानी कि ये डेंसिटी जो अभी हमने निकाली थी है ना देख रहे थे फिर से निकाल दूं आपके लिए एक बार वैसे तो यहाँ बट फिर से देख लो तो डेंसिटी क्या होती है न्यूक्लियस में मान लो टोटल कितने न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन ऐसे टोटल ए प्रेजेंट है यही मास नंबर होता है ना हर एक का मास एम मान लिया प्रोटॉन न्यूट्रॉन का बराबर मान के चल रहे हैं हर एक का मास एम है तो बताइए टोटल इस न्यूक्लियस का मास कितना है तो मास इसका हो जाएगा मास ऑफ वन न्यूक्लियन टाइम्स नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स वॉल्यूम कितना है डेंसिटी निकालें क्या हो जाएगी मास बाय वॉल्यूम अब आर क्यूब बताइए रेडियस कैसे वेरी करता है तो बीस में तो इन्होंने दे दिया था रेडियस का फॉर्मूला और 19 में नहीं दिया आपको ये पता होना चाहिए था रेडियस कैसे वरी करता है न्यूक्लियस का आर नॉट ए रेस टू पावर वन बाई थ्री तो जरा सब्सिट्यूट करना टू द पावर वन बाई थ्री का क्यूब करा रहे हैं लोग है ना क्यूब करा दिया तो क्या हो जाएगा वन बाई थ्री ए बन के बाहर आएगा ए से कट गया क्या पता चला इससे आपको इससे पता चला कि भाई मास डेंसिटी तो कांस्टेंट है इट डिपेंड अपॉन मास नंबर मास नंबर के इंडिपेंडेंट है तो चाहे कैल्सियम हो ऑक्सीजन हो नाइट्रोजन हो कुछ हो रेशो वन ही होना है सबकी सेम है समझ आया <laughs> तो था ना मजेदार क्वेश्चन कि किसी भी टाइप का आपको डेंसिटी निकालने को दे दी जाए रेशो लेने को जब बोले तो इट विल बी कॉन्स्टेंट ठीक है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर चलो तो वन आ गया इसका आंसर सीधा सीधा अब एक और देखिए ये तो खैर यार ये मतलब न्यूक्लियर फिजिक्स का क्वेश्चन है ही नहीं ये मजाक कर दिया इन्होंने ठीक है ये लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का क्वेश्चन है मैकेनिक्स का सवाल है जबरदस्ती न्यूक्लियस बोल के डरा रहे हैं देखो अनस्टेबल हैवी न्यूक्लियस ब्रेक्स इनटू टू टू न्यूक्लिया एक न्यूक्लियस है ठीक है यह ब्रेक कर गया दो अनस्टेबल न्यूक्लियाई में विच मूव अवे वेलोसिटी इन द M1 एट इधर चला गया और ये कितने से जाएगा इनके वेलोसिटीज का रेशो दे दिया ये वी वन दूसरा इधर जाएगा वी टू तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या कहती है कि अगर इनिशियली सिस्टम रेस्ट पे था और बाद में एक्सप्लोड होके दो मास निकले तो अभी भी ये मोमेंटम एक दूसरे का कैंसिल कर रहे होंगे है ना इनिशियली जब जीरो था तो फाइनली भी जीरो होगा ठीक है तो यहां से आपको मास का रेशो क्या आ गया द ऑफ मास एम वन अपॉन एम टू तो रेशो ऑफ मास जो आपका आया वी टू बाई वी वन दूसरे की वेलोसिटी अपॉन पहले की देखो दूसरे की वेलोसिटी इज ट्वेंटी सेवन टाइम्स पहले की वेलोसिटी मास का रेशो आ गया मास होता है डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम ठीक है वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ़ ऑफ़ अब इसमें जो नॉलेज आपको न्यूक्लियर फिजिक्स की लगी ना दैट विल बी कि दोनों की डेंसिटी सेम होगी न्यूक्लियस की न्यूक्लियस की डेंसिटी सेम रहती है तो इसीलिए हम रो को कैंसिल कर पाएंगे ठीक है डेंसिटी इज मास इनटू वॉल्यूम अच्छा गलत तो नहीं ले लिया डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ठीक है मैंने रेशियो ले लिया इनटू टू लेना है सॉरी इनटू मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम सो रो वी वन रो वी टू ठीक है तो रो से रो कैंसिल कर देंगे बिकॉज वी नो डेंसिटी इज सेम राइट चलो तो वी वन बायू का रेशो अब स्फीयर है ये न्यूक्लियसरिकल होते हैं तो वॉल्यूम का रेशो क्या हुआ फोर बाय थ्री पाए आर वन क्यूब फोर बाय थ्री पाए आर टू क्यूब तो क्या हो जाएगा तो आ जाएगा आर वन क्यूब अपॉन आर टू 27 आट, ये लो, क्यूब सत्ताईस होंगे उन्होंने पढ़ा होगा अनस्टेबल न्यूक्लियस चैप्टर अपने को नहीं आता छोड़ो आगे बढ़ो <laughs> तो न्यूक्लियस पढ़ते ही भाग लिए होंगे सवाल से थोड़ा दिमाग लगाते न्यूक्लियस का सवाल है ही नहीं ये एक्चुअली सवाल किसका है मोमेंटम कंजर्वेशन का है कि नहीं तो डरना नहीं है कभी भी किसी क्वेश्चन से हमेशा ध्यान से देख के करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ठीक है चलो अब आ जाते हैं बाइंडिंग एनर्जी पे अब चैप्टर की असली शुरुआत हो रही है क्योंकि अमेजिंग फेमस इक्वेशन आती है जो आपने सुनी हुई है e square, ना वो इक्वेशन अब आएगी इसमें देखो दोस्तों क्या है जो हैरानी वाली बात वो ये कि यहां पर एक न्यूक्लियस दिख रहा है आपको ये न्यूक्लियस बना बना हुआ है कितने बना है कितने प्रोटॉन्स का जरा देखना एक काम करते हैं प्रोटॉन्स को हम ये पिंक कलर दे देते हैं और न्यूट्रॉन्स को ये येलो कलर दे देते हैं तो मुझे बताओ कितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से मिलकर बनाए तीन प्रोटॉन्स और तीन न्यूट्रॉन से मिलकर बनाए ठीक है थीके? तो इन्होंने क्या करा इस न्यूक्लियस का वजन किया कि कितना वजन है इसका देखते हैं ठीक है तो मान लीजिए कुछ एम वन मास आया इसका और फिर क्या करा इस न्यूक्लियस को ब्रेक कर दिया कुछ एनर्जी लगी होगी इसको ब्रेक करने में एक एनर्जी थी जो इनको बाइंड करके रखी थी हमने एनर्जी दी उतनी और इसको ब्रेक कर दिया जैसे इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा होता है न्यूक्लियस के पास तो उसको आयनाइजेशन एनर्जी देना पड़ती है ना उसको इलेक्ट्रॉन को छुड़ाने के लिए क्योंकि वो बाउंडेड है ऐसे ही आपस में बाउंडेड है तो इसको तोड़ने के लिए न्यूक्लियस को क्या करना पड़ा एनर्जी देना पड़ी ठीक है जो एनर्जी इनको बाइंड कर रही थी उतनी एनर्जी देना पड़ी अब हमने क्या करा ये प्रोटॉन्स और इनको अलग अलग कर दिया अब हमने इनका मास कैलकुलेट करा कि अब इनका कितना वजन है तो सबसे हैरानी की बात जो निकल के आई कि मास अलग अलग आए ठीक है वहां पर मास और यहां पर मास दोनों अलग अलग आया और क्या अलग अलग, अलग आया ये पाया गया कि M2 टू वॉज फाउंड ग्रेटर देन M1 अब ये कैसे हो सकता है भाई यहां पर भी मास निकाले तो ऑल क्या हो जाएगा एम वन क्या होना चाहिए थ्री टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस थ्री टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन यहां पर भी निकालोगे तो क्या होगा वही तीन है तीन प्रोटॉन है तीन न्यूट्रॉन है तो बराबर होना चाहिए था ना मास लेकिन जो फिजिसिस्ट को सब सबसे बड़ी चीज इसने सरप्राइज कर दिया कि फाइनल प्रोडक्ट का मास ग्रेटर अब न्यूटन की जो आत्मा थी या न्यूटन की जो कब्र थी उसके अंदर न्यूटन करवट लेने लगा अरे मास कंजर्व होता था ये क्या बोल रहे हो <laughs> तो न्यूटन ने वहां से करवट ली बेचारा चीख रहा है, है चिल्ला रहा है कि ये क्या बोल रहे हो बट ऐसा है फिर इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए कि भाई मासेज अलग अलग कैसे हो गए जब इंग्रेडिएंट सेम है यहां भी तीन प्रोटॉन न्यूट्रॉन यहां भी तीन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इसको एक्सप्लेन करने के लिए किसको आना पड़ा ये वाले भाई साहब को इन भाई साहब को आना पड़ा यह भाई साहब निकल के आए क्योंकि आइंस्टाइन की आत्मा न्यूटन की आत्मा कर रहा रही थी तो इन्होंने उसको चैन दिया यह भाई साहब ने कहा कि देख न्यूटन तेरा जमाना गया अब मैं पते की बात बताता हूं एनर्जी और मास आपस में कन्वर्ट हो सकते हैं यह आइंस्टाइन भाई साहब ने कहा अपनी एक इक्वेशन एक देके एनर्जी और मास का कन्वर्जन इन्होंने किस इक्वेशन से बताया स्क्वेर e जहां पर सी स्पीड ऑफ लाइट है इसको और डिटेल में समझना है तो आपको रिलेटिविटी समझना पड़ेगी अभी जेई का सिलेबस एक बार कर लो जेई क्लियर कर लो फिर कॉलेज में आपको स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ाएंगे भी ठीक है तो उससे आपको और क्लैरिटी आएगी इसके बारे में अभी ये समझो कि उन्होंने इस फॉर्मुला से कन्वर्जन दिया है ना तो अब जो क्वेश्चन था ना वो आंसर हो गया कि भाई ये एक्स्ट्रा मास आया कैसे एम टू बड़ा है एम वन से दोनों के बीच में एक डिफरेंस है उस डिफरेंस को नाम दे दिया मास डिफेक्ट

ये एनर्जी जो आपने दी थी यह मास में कन्वर्ट हो गई और वो जो एक्स्ट्रा मास है वो इन इनपे चिपक गया एनर्जी वाला मास इस वजह से यह वाली साइड हैवियर हो गई क्लियर समझ में आया ये वाली साइड क्या हो गई हैवी क्यों हैवी हुई ये जो एनर्जी दी थी ये भी मास में कन्वर्ट होकर इसके पास आ गई यहां तक कहानी क्लियर है ठीक है अब हमें देखना है कि ये जो एनर्जी हमने दी थी ये क्या है उ कैन वी कैलकुलेट दैट बाइंडिंग एनर्जी तो अभी आपको बताया कि जो ये एनर्जी थी वही तो यहां एक्स्ट्रा मास जाके कन्वर्ट हुई यानी कि अगर देखा जाए तो मैं ये कह दू अगर यहां का मास एम टू है और यहां का मास एम वन है सो द एनर्जी कर मास करस्पॉन्डिंग टू दिस एनर्जी इज द एक्स्ट्रा मास ओवर देयर तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि एम टू जो है वो एम वन में एक जो एक्स्ट्रा मास जोड़ दिया गया द मास डिफेक्ट वही है है ना एम टू और कुछ नहीं जो एक्स्ट्रा टर्म आई वो ये मास डिफेक्ट की वजह से आई और ये मास डिफेक्ट कहाँ से आया इस एनर्जी की वजह से इसने डेल्टा एम मास एक्स्ट्रा दे दिया उसको तो अब ये डेल्टा एम मास निकलेगा कैसे तो डेल्टा एम मास ऐसे निकलेगा या इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी कैसे निकलेगी तो उन दोनों का रिलेशन तो ये है डेल्टा इक्वल्स डेल्टा एम सी स्क्वायर बट सवाल उठता है निकाले कैसे डेल्टा एम तो इसका तरीका ये है कि फाइनल मास आपको पता है एम टू इनिशियल मास पता है डिफरेंस ले लो डिफरेंस ले लो तो डेल्टा एम आ जाएगा डेल्टा एम को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो जो एनर्जी आपने दी थी इसको तोड़ने के लिए वो एनर्जी आ जाएगी समझ में आ गया क्लैरिटी है सबको है ना समझ आ रहा है चलो तो आप देखते हैं कि कितना डिफरेंस है मासस में हाउ मच डिफरेंस इज देअर यहां पर बताओ क्या है तो आपको मैंने पहले ही कहा कि यहां पर अब एक्चुअली कुछ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं दैट्स इट नथिंग एल्स इसको अब हम न्यूक्लियस भी नहीं बोलेंगे ये तो अब टूट के गिर गया अब ये न्यूक्लियस नहीं बचा अब ये क्या बचा है कुछ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड कुछ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहां प्रेजेंट है अगर इस न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर आपको दिया हुआ हो तो आपको पता चल जाएगा जैसे जेड यहां पर प्रोटॉन थे मान लो इसके पास और इसका मास नंबर ए है तो आपको पता चल जाएगा कितने प्रोटॉन्स है कितने प्रोटॉन्स है यहां जेड प्रोटॉन्स है जो पड़े हुए हैं और कितने न्यूट्रॉन्स है जरा बताना हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट तो न्यूट्रॉन्स दैट आर प्रेजेंट आर ए माइनस जेड न्यूट्रॉन नंबर इज ए माइनस जेड है कि नहीं क्लियर चलो तो अब बताओ एम टू की वैल्यू क्या है वहां जो मास है वो कितना है एम टू और कुछ नहीं मास ऑफ प्रोटॉन टाइम्स जेड जेड प्रोटोन प्रेजेंट है वहां पर और हर एक का मास और A -Z neutron present है. और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है हर एक का मास ये हो गया फाइनल मास और इनिशियल मास कितना है वो तो भाई न्यूक्लियस का मास इसको हम कह देते हैं कैपिटल एम तो कैपिटल एम क्या रिप्रेजेंट करता है इस न्यूक्लियस का मास जब ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन कंबाइन होते हैं और जो न्यूक्लियस बनता है उसका मास तो बताइए मास डिफेक्ट क्या हुआ अगर एम वन आपका कैपिटल एम है और एम टू आपके पास है तो डेल्टा एम कितना आ गया तो डेल्टा एम यहां पे आ गया इन दोनों का डिफरेंस तो जरा डिफरेंस ले लो जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन ठीक है दिस माइनस दिसम टू माइनस एम वन लिखा है और ये अगर डेल्टा एम है तो अब हम आइंस्टाइन से पूछेंगे कि तुम बताओ मास डिफेक्ट तो हमने निकाल दिया क्या बाइंडिंग एनर्जी बता सकते हो आइंस्टाइन के गा? बिल्कुल सही बस सी स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो तो देखो सी स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया सी स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया बाइंडिंग एनर्जी आ गई ठीक है समझ में आया हाउ टू कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी एवरी वन इज क्लियर ठीक है तो सिंप्लिसिटी में आपको बता दूं फाइनल मास देखना होता है इनिशियल मास देखना होता है दोनों का डिफरेंस लेना होता है और सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना होता है बस इतनी सी बात है ये बाकी सब तो दोगलापन है है ना ये <laughs> सब चोच लें बताने के तो चलो आ जाओ क्वेश्चन देखते हैं अब हम देखना चाहते हैं कि मान लो जो डिफरेंस इन मास है वो कितना आया डिफरेंस इन मास मान लो स्मॉलेस्ट मास की यूनिट जो हम लेते हैं उतना आएगा मान लो वन ए का समझ रहे हो इफ इफ डेल्टा एम उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी रिलीज होगी अकॉर्डिंग टू आइंसटाइन अकॉर्डिंग टू आइंस्ट के लिए एनर्जी रिलीज होगी वो कैलकुलेट कर लेते हैं कैसे करोगे तो भाई एक एम यू कितना ग्राम होता है कितने ग्राम होता है तो कितने किलोग्राम होता है इसमें माइनस थ्री और करो टेन रेस टू माइनस ट्वेंटी सेवन है ना दिस दिस इज डेल्टा एम ये मैं क्या लगा रहा हूँ डेल्टा एम सी स्क्वायर इक्वेशन लगा रहा हूं ठीक है तो देखो क्या आ रहा है डेल्टा एम ये लिख दिया ए के एम यू का मास किलोग्राम्स में ये स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर कर दिया अब आप देखिए कि जूल्स में तो ये बहुत कम आएगी है ना ये टेन रेस टू सिक्सटीन होगा ये माइनस ट्वेंटी सेवन तो क्या हुआ तो जूल्स में तो बहुत कम आई तो इसको जूल्स के बजाय जो बेटर यूनिट है जिसमें एक्सप्रेस करते हैं दैट इज मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिर्फ इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्यों नहीं लिया क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट के हिसाब से बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी देखो 16 और -27, कितना आ रहा है टू टू नेगेटिव हाउ मच जरा चेक करें है 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 ना 10 raise to -13 आ रहा है. अब -13 है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट जाओगे तो माइनस नाइनटीन आता है उसमें तो तो अभी भी सिक्स पावर का डिफरेंस है तो इसलिए उसको कर दिया मेगा क्योंकि मेगा होता क्या है टेन रेस टू सिक्स होता है ठीक है समझ रहे हो सब लोग तो इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालते हैं और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालते हैं ना तो ये आ जाता है नाइन थर्टी वन तो हमेशा याद रखिए कि अगर एक एमयू मास को हम डिस्ट्रॉय करें अगर एक एमयू मास को हमने तोड़ा तो क्या प्रोड्यूस होगी एनर्जी और कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी एक एमयू मास के करस्पॉन्डिंग नाइन थर्टी वन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ठीक है सब लोग समझ रहे ना ये मेगा कैपिटल एम क्या लिखा है दिस एम इज मेगा टेन रेस टू सिक्स होता है मेगा का मतलब एवरीबडी क्लियर समझ में आया ओके सेमी कंडक्टर इसके बाद ही पढ़ाएंगे ना पहले न्यूक्लियस तो कर ले <laughs> मैंने एक भी ऐसी क्लास नहीं देखी जिसमें जो पढ़ाया जा रहा है वो कोई पढ़ ले हमेशा सर इसके बाद वाला चैप्टर वो कब कराओगे <laughs> यार पहले ये तो कर लो हमेशा आप बात की सोचोगे तो जो अभी चल रहा है वो नहीं हो पाएगा यहां तक कहानी क्लियर है एक एमयू मास की मैंने एनर्जी निकाल ली तो आइंस्टाइन बाबा कह रहे हैं कि तुम एक एमयू को डिस्ट्रॉय करो इतने छोटे मास को तोड़ो उससे तुम इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करोगे और उल्टा भी कर सकते हो अगर तुमने एक न्यूक्लियस को 931 एनर्जी दे दी जैसे मान लो यहां पर एक न्यूक्लियस है वही कहानी जो मैंने आपको बताई ना कि ये जो एक्स्ट्रा मास M2 आया ये कैसे आया न्यूक्लियस के मास में डेल्टा एम जुड़ गया एनर्जी के करस्पोंडिंग मास जुड़ गया तो एक्स्ट्रा मास आ गया तो ये उल्टा भी हम कह सकते हैं कैसे कह सकते हैं कि मान लो एक न्यूक्लियस है उसका मास है जस्ट फॉर एन एग्जांपल 3 एएमयू आपने इसको एनर्जी दे दी 931 की आपने 931 एमईवी की एनर्जी दे दी तो बताइए अब जो मास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा अब जो भी चीज क्रिएट होगी अब न्यूक्लियस तो बचेगा नहीं टूटटड़ गया होगा अब जो मास बनेगा वो कितना होगा तो अब आप देख रहे हो कि नाइन थर्टी वन एम एनर्जी दिए कि वन एमयू मास्री ए एमयू पहले से ही था तो कितना आ जाएगा 4 समझ लो दिस इज जस्ट अ सबको समझ में आ रहा है ये चीज क्लियर है कोई डाउट तो नहीं है ठीक है हाँ अब क्वेश्चन से समझते हैं इसको क्लैरिटी आ गई ना कि डेल्टा एम होता क्या है मास डिफेक्ट होता है उनका मास माइनस न्यूक्लियस का मास

टेलीग्राम चैनल है इसमें भी डल जाता है हाथों हाथ और मेरी जो लर्नर्स कम्युनिटी है उसमें भी डल जाता है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है उसकी है ना आप लोग चेक कर सकते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ फिजिक्स का भी वहां पर डाला हुआ है तो आ जाओ जल्दी से कम्युनिटी में चलिए तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल हमें निकालनी है इस डेटा से बताइए कैसे निकालेंगे तो सबसे पहले समझो पूरा ये, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड सी चीज होती समझना है समझना पड़ता है हॉले हॉले है ना हौले हौले समझते हैं अल्फा पार्टिकल अल्फा पार्टिकल है क्या हीलियम में से दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो वो बचा हमारा हीलियम का न्यूक्लियस है ना दैट्स व्हाट अल्फा पार्टिकल इज हीलियम प्लस टू इसलिए पॉजिटिवली चार्ज भी होता है अल्फा पार्टिकल है ना तो बेसिकली हीलियम न्यूक्लियस की बात चल रही है मुझे जरा बताओ हीलियम न्यूक्लियस है तो इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स और कितने न्यूट्रॉन्स हैं इन हीलियम न्यूक्लियस हाउ मेनी protons? हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स तो इसमें हमें पता है दो प्रोटॉन्स होंगे दो न्यूट्रॉन्स होंगे है कि नहीं यही होता है हीलियम में इसलिए हीलियम को लिखते कैसे है? टू फोर ये नंबर ऑफ प्रोटॉन रिप्रेजेंट करता है ये दोनों का सम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकलते हैं इनके डिफरेंस है ए माइनस जेड वही तो लिखा है यहां पर ए माइनस जेड क्या होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जेड क्या होता है प्रोटॉन्स ठीक है यहां तक कहानी क्लियर अब ये कह रहा है इसकी बाइंडिंग एनर्जी निकालो तो यार बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए हमें इसको तोड़ना पड़ेगा इसको एनर्जी देंगे तो ये टूटेगा टूटेगा तो क्या बनेगा टूटेगा तो दो न्यूट्रॉन बनेंगे दो प्रोटॉन बनेंगे है ना यही बनेगा अब बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकलेगी भाई यहां का मास निकालो एम टू और जो न्यूक्लियस का मास है एम वो निकालो ठीक है और इन दोनों का डिफरेंस निकालो एम टू और एम वन का डिफरेंस निकालो उससे मास डिफेक्ट आएगा वो मास डिफेक्ट जितना होगा उससे ही एनर्जी पता चलेगी क्योंकि ये जो डिफरेंस आया है ये एनर्जी की वजह से आया है ठीक है तो मास डिफेक्ट निकालते हैं डेल्टा एम कितना हो जाएगा एम टू माइनस एम वन उसके इंग्रेडिएंट्स का मास और जो न्यूक्लियस का मास चलो तो एम टू बताओ कितना है एम टू में यार दो प्रोटॉन्स हैं तो टू टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन्स हैं तो टू टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन ये हो गया एम टू माइनस एम वन एम वन कितना है जो इस न्यूक्लियस का मास है एम ठीक है दिया भी हुआ है देखो मास ऑफ हीलियम एटम है ना ये कैपिटल एम हो गया हमारा तो आप समझ लो टू टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन क्या है ये मास ऑफ प्रोटॉन ये रहा ये कभी भी मास ऑफ प्रोटॉन डायरेक्टली नहीं देगा आपको क्या दे देगा हाइड्रोजन एटम दे देगा हाइड्रोजन एटम का जो भी मास है वही प्रोटॉन का मास है क्यों क्योंकि उसके न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन निवास करता है और बाहर जो इलेक्ट्रॉन है उनकी तो कोई मास होता ही नहीं है कोई वैल्यू ही नहीं है तो जो अंदर न्यूक्लियस का मास है हाइड्रोजन के वही हाइड्रोजन एटम का मास है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन है तो यही प्रोटॉन का मास है समझ गए तो प्रोटॉन का मास इज हाइड्रोजन एटम का मास राइट न्यूट्रॉन right. का डायरेक्टली दिया है और ये आपका कैपिटल m हो गया मास ऑफ न्यूक्लियस बस आप सब्सिट्यूट करें एनर्जी निकल जाएगी देखो टू टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन कितना है 1.007825 प्लस टू टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन रखो 1.008665 माइनस अब कर दो मास ऑफ न्यूक्लियस से कितना है 4.00260 इससे क्या निकलेगा इससे निकलेगा मास डिफेक्ट कितना मास डिफेक्ट आएगा तो ये कैलकुलेशन लंबी है इसलिए मैं भी चालू मैंने पहले से कैलकुलेशन करके रख ली देखो तो ये मास डिफेक्ट कितना आएगा 0.03038 है ना इतना आ गया और ये किस यूनिट में आया ये ए एम में आया सर आपको कैसे पता है AMU में ये देखो ना यू में ही तो दिया है सब कुछ मासेस यू में दिए हुए ए एमय यू में तो इसीलिए ए एमयू में आंसर आया देखना जरा कितना है जीरो पॉइंट जीरो थ्री जीरो थ्री एट इतना ए तो आप बताइए बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकलेगी ये डेल्टा ई कैसे आएगा क्या फिर से सी स्क्वायर का मल्टीप्लाई वगैरह करोगे नहीं भाई थोड़ा क्लेवर बनो ना ऑलरेडी जब एक ए की हमने कैलकुलेशन कर लिए कि एक ए एमयू से इतनी एनर्जी निकलती है तो ये बेसिकली आ गया एनर्जी पर वन यूनिट ए एमयू मास तो अगर अब इतने एमयू का पूछा है तो बस मल्टीप्लाई करना है कितनी एनर्जी निकलेगी जीरो पॉइंट जीरो थ्री जीरो एट इन नाइन थर्टी वन एमयू इतनी एनर्जी निकलेगी दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम तो बाइंडिंग एनर्जी बेसिकली है क्या कितनी एनर्जी लगती है एक न्यूक्लियस को तोड़ने में ठीक है वो होती है बाइंडिंग एनर्जी तो हमारा पर्पज तो था इस न्यूक्लियस को तोड़ना देखो अलग अलग कर देना तितर बितर हो गए न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स लेकिन ऐसा करने में जो हमने एनर्जी दी वो डिस्ट्रॉय तो होगी नहीं वो कहाँ गई वो इस न्यूक्लियस पे ही चिपक गई एनर्जी मास बन के चिपक गई इसीलिए फाइनल मास ग्रेटर आ गया इनिशियल मास से एम टू बड़ा आ गया एम वन से ठीक है इतना डिफरेंस आ गया अब तो क्लैरिटी है सबको समझ आया तो दिस इज हाउ वी कैल्कुलेटेड कितनी निकल के आती है 28.3 एट है ना इतनी निकल के आती है क्लियर है सबको ओके एक और बता देता हूं आपको करके अगला देखिए आयरन का आयरन दिया हुआ है आपको छब्बीस छप्पन अब तक छप्पन है ना ये है आयरन इसकी बाइंडिंग एनर्जी निकालने को बोल रहा है तो क्या करेंगे फिर वही बात है इसके न्यूक्लियस को एनर्जी दी होगी ये टूटा होगा ये टूटा होगा तो क्या बना होगा तो छब्बीस तो प्रोटॉन बने होंगे और क्या बना होगा और इसमें न्यूट्रॉन कितने डिफरेंस लो थर्टी न्यूट्रॉन बने होंगे ठीक है अब इसका मास देख लो और फाइनली उनका मास देख लो इसका मास मान लीजिए एम है और इनका मास मान लीजिए एम टू है तो ये हमारा एम वन हो गया इसका मास और वो एम टू तो मास डिफेक्ट कितना आएगा फिर से वही चीज एम टू माइनस एम वन फाइनल मास माइनस इनिशियल मास तो फाइनली आप देख लो 26 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन ये फाइनल मास हुआ इसमें से क्या सब ट्रैक करना इनिशियल मास कैपिटल एम मास डिफेक्ट आएगा जो भी एम में निकल के आ जाएगा उससे नाइन थर्टी वन मल्टीप्लाई करना बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी क्लियर है सबको एवरीबॉडी समझ में आ रहा है है ना सर आप बहुत मस्त समझाते हो ओके okay, शुभम आप लोग भी बहुत मस्त समझते हैं ना मजा आता है पढ़ाने में चलो फिर से मैं चालू मैंने पहले ही कैलकुलेशन कर ली कौन करेगा वहां पे तो ये लो अब यार नंबर ऐसे कौन ऑन द स्पॉट कैलकुलेट करे इसलिए पहले ही लिख लिया चलो देखो क्या है ये निकल के आया कितनी निकल के आई 0.5 टू एट सेवन एट इतना मास डिफेक्ट निकला इतना एमयू मास डिफेक्ट निकला तो एनर्जी कैसे निकलेगी एक एमयू की हमें पता है तो इतने एमयू की कितनी होगी नाइन थर्टी वन से मल्टीप्लाई करना है उतनी एनर्जी रिलीज होगी समझ में आया उतनी एनर्जी रिलीज करा दो तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी फोर MeV टू एम ईवी देखी फोर नाइंटी टू एम निकली अब जरा ध्यान से देखिए केमिस्ट्री वाले शौक में क्यों शौक में अरे भाई आयरन जंग खा जाता है जब देखो जब जरा सा पानी लगा नहीं और जंग खा गया रस्टिंग हो गई केमिकली इतना अनस्टेबल है ना लेकिन जरा न्यूक्लियर वाइज देखो इसके न्यूक्लियस इतना स्टेबल है इसको तोड़ने में 492 यानी लगभग 500 की एम की एनर्जी लगती है ये इतना स्टेबल है कि जरा देखिए हीलियम का न्यूक्लियस इसकी लगभग 30 एम है और इसकी 500 हंड्रेड है कुछ समझ में आ रहा है कि केमिस्ट्री में इतने एक्सेप्शन क्यों आते हैं क्योंकि केमिस्ट्री कहाँ घूम रही है केमिस्ट्री बाहरी अटकी हुई है इलेक्ट्रॉन्स पे वो देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन कैसे शेयरिंग कर रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन की क्या बॉन्डिंग चल रही है तो दो एलिमेंट्स तक तो होती है तीसरे में एक्सेप्शन आ जाता है कभी बनाना बॉन्ड बनता है कभी एप्पल बॉन्ड बनता है कभी क्या हो जाता है ठीक है तो कुछ टाइम तक तो ये एम्पेरिकल रूल्स चलते हैं लेकिन फिर फेल हो जाते हैं रीजन यार बाहर ही घूम रहे हो अंदर तो देखो असली चीज तो अंदर है न्यूक्लियस में और न्यूक्लियस में देखोगे तो पाओगे कि जिस हीलियम को आप सबसे स्टेबल समझते हो द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट हीलियम उसका न्यूक्लियस कुछ भी नहीं है स्टेबिलिटी के मामले में कंपेयर टू आयरन जिसको आप बहुत ही अनस्टेबल समझते हो समझ में आई तो दैट इज दी फन पार्ट ऑफ न्यूक्लियस न्यूक्लियर फिजिक्स की दुनिया अलग ही है शॉक कर देगी केमिस्ट्री वालों को लेकिन अब एक चीज हुई दोस्तों देखो एक चीज और यहां पर हुई फिजिसिस्ट ने जो देखी और वो ये कि यार इतना डिफरेंस शोभा नहीं देता आप किसको कंपेयर कर रहे हो इसका तीस एम और इसका पांच सौ एम ये बहुत ज्यादा डिफरेंस है ये पता है कैसे कंपेरिजन हुई ये ऐसे कंपेरिजन हुई कि मान लो इंडिया की हम जी कंपेयर कर लें यू की जी से तो क्या होगा तो इंडिया की जी इतनी ज्यादा आएगी कि यू की जी कहीं नहीं लगती उसके आगे तो इससे क्या कंक्लूजन निकल जाएगा इससे कंक्लूजन निकलेगा कि इंडिया ज्यादा यहां पर जो लोग है, वो हैं वो ज्यादा लग्जूरियस लाइफ जीते इवन देन यूएई दुबई वाले शेख भी उनके आगे कुछ नहीं लगते क्योंकि हमारी जी इतनी है लेकिन क्या यह तरीका सही है नहीं सही है क्या गलत है इसमें भाई लोग भी तो इतने हैं ना अगर सब थोड़ी थोड़ी इनकम भी कर रहे हैं और सबकी इनकम आपने ऐड कर दी तो ज्यादा ही आएगी ना और वहां दुबई में कुछ गिने चुने लोग हैं जो इतनी इनकम कर दे रहे हैं कि इंडिया को टक्कर दे रहे हैं तो इसीलिए कॉन्सेप्ट होता है इकोनॉमिक्स में पर कैपिटा इनकम का कि जो भी आपकी टोटल इनकम है उसको डिवाइड कर दो कितने लोग उसको कमा रहे हैं समझ रहो? पर कैपिटा इनकम तो यहां पर हम यही करेंगे बेचारे हीलियम की यार कमी होगी ना कितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन है दो न्यूट्रॉन थे दो प्रोटॉन थे ये बेचारे क्या ही प्रोड्यूस करेंगे थर्टी के आसपास ही प्रोड्यूस कर पाए और आयरन में क्या था आयरन में देखो थर्टी ट्वेंटी सिक्स इतने सारे लोग हैं तो ऑब्विय बात है ज्यादा ही आएगी तो पर कैपिटा इनकम करने के लिए हम क्या डिफाइन करते हैं हम डिफाइन करते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन तो अब क्या आ जाएगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पर न्यूक्लियन यानी कि जैसे आपने पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया है ना कितने लोगों ने ये बाइंडिंग एनर्जी क्रिएट करी उससे डिवीजन तो क्या हो जाएगा तो जो भी बाइंडिंग एनर्जी निकल के आती है डिवाइडेड बाय जितने भी प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन थे उससे डिवाइड करो तो एक स्केलिंग अप होगी पर कैपिटा इनकम हो जाएगी अब जब पर कैपिटा इनकम निकालते हैं तो फिर यू की बहुत ज्यादा आ जाती है वहां का हर एक बंदा करोड़पति है है ना समझ में आया तो वो तब होता है जब डिवाइड करेंगे अब इंडिया में जैसे आप ये ए से डिवाइड करोगे कि जीडीपी तो बहुत ज्यादा लेकिन कितने लोग हैं कंट्री में यहां पे जैसे ही डिवाइड किया 130 करोड़ भारतीय जैसे ही 130 करोड़ से डिवाइड किया तो क्या होगा ये नंबर एकदम नीचे है ना समझ में आया कॉन्सेप्ट ठीक है फिजिक्स टीचर टीच केमिस्ट्री फिजिक्स इकोनॉमिक्स मैथ्रीजिकॉमिक्स भी बहुत सही चीज है भाई हर जगह इकोनॉमिक्स अफेक्ट करता है कोई इन्वेंशन हुई उसकी लिमिटेशन बन जाती है इकोनॉमिक्स इन्वेंशन तो बहुत सारी है आपको हैरानी होगी इतनी यूटिलिटी वाली इन्वेंशन होती है साइंस के अंदर लेकिन उसको मास स्केल पे उतारा नहीं जा सकता क्योंकि वो इकोनॉमिकली बेनिफिशियल नहीं है तो इकोनॉमिक्स बहुत बड़ा फैक्टर है बोलते हैं ना पैसा पैसा सबका बाप है तो इकोनॉमिक्स पैसे की दुनिया है ठीक है चलो तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमने निकाला अब अगर मैं आपसे पूछूं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालो तो हीलियम की कैसे निकालोगे तो 28.3 तो बाइंडिंग एनर्जी है इसकी किससे डिवाइड करोगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ठीक है बीई पी एन मैं बोल देता हूं तो जितनी भी एनर्जी है बाइंडिंग एनर्जी अपॉन नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स तो कितना होगा 28.3 डिवाइडेड बाय कितने न्यूक्लियॉन्स बाई चार दो न्यूट्रॉन दो प्रोटॉन कितनी आ जाएगी सेवन पॉइंट समथिंग है ना सेवन पॉइंट समथिंग सेवन पॉइंट जीरो सेवन अप्रोक्स ठीक है एम ईवी ये आई हीलियम की अब निकालते हैं आयरन की आयरन की ये है बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन ए में दोनों आ जाते हैं ना प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इसलिए ए से डिवाइड करते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी है फोर टू और टोटल इसके नीचे कितने इसके अंदर टोटल हैं छप्पन ठीक है 56। अब तक छप्पन तो जरा इसका डिवीजन करो कितना आएगा बताना जरा एट पॉइंट कुछ आएगा करके देखो 492 56, तो केमिस्ट्री वालों को लगा कि अरे अब मजा आएगा ना कि इन लोगों ने ए से डिवाइड नहीं किया ए से डिवाइड करेंगे तो हो सकता है हीलियम ही स्टेबल आए, लेकिन फिर से केमिस्ट्री वाले शौक में नहीं भाई डिवाइड भी कर दिया ना तो पर कैपिटा इनकम भी आयरन की ज्यादा है तो इससे प्रूव होता है कि आयरन का न्यूक्लियस बहुत स्टेबल है कंपेयर टू

हीलियम का आयरन का हमने कितना निकाला 8. समथिंग देखो आयरन का ये 8 से ऊपर चला गया 8.78 लगभग और सबसे बेस्ट बात आपको बताऊं आयरन हैज द हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जिससे क्या सिद्ध होता है इससे ये सिद्ध होता है आयरन का न्यूक्लियस सबसे स्टेबल न्यूक्लियस है अमंग ऑल द पीरियोडिक एलिमेंट्स दैट यू सी पीरियोडिक टेबल में इसका

मुझे ऐसा लगता है कि नेचर ने उन क्वांटिटीज को ज्यादा बनाया जो कि स्टेबल न्यूक्लिया से जिनके पास है जैसे आयरन के पास स्टेबल न्यूक्लिया तो इतना अबेंडेंट है आयरन दुनिया में कार्बन ऑक्सीजन इतनी अबेंडेंट है सब कुछ कार्बन से ही लगभग बना हुआ है क्योंकि उसका न्यूक्लियस इतना स्टेबल है ठीक है केमिकली भले ही वो अनस्टेबल हो समझ में आ रहा है तो ये हम इससे समझ सकते हैं अब इस पे बेस सवाल देखिए ओके ओके okay. चलिए तो आपको मिल गए अल्बर्ट आइंस्टाइन को फोटो इलेक्ट्रिक के नोट्स चलिए आपको ही नोबल प्राइज़ मिला था उसके लिए है ना आपको खुशी होगी जान के फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ एस एन एस एन क्या लेड होता है ना ठीक है तो लेड है तो निकाल दीजिए उसका कितना है नहीं लेड नहीं होता है. क्या होता है टिन होता है टिन ठीक है जो भी हो यार नाम जो भी हो नाम में क्या रखा है निकालो मास दिया हुआ है आपको कैसे करेंगे वही चीज़ जो अभी तक करते आ रहे हैं ऐसेन मॉलिक्यूल है अब ये आप लोग करो अब मैं नहीं करूँगा मैं बस तरीका बता दूंगा ये स्ट्रॉनशियम का न्यूक्लियस था इसको बाइंडिंग एनर्जी दी ये टूट गया टूट गया तो इसने क्या प्रोड्यूस किया 50 प्रोटॉन प्रोड्यूस किए और क्या प्रोड्यूस किया इसका डिफरेंस लो 70 न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस किए है ना तो वहाँ का मास इधर का मास जो अभी तक करते आ रहे हैं कर लोगे एवरीबडी कैन यू ऑल डू इट ठीक है चलो कर लो बताऊं क्या या कर लोगे एम टू एम वन इनका डिफरेंस लो मास डिफेक्ट क्या निकल के आएगा वहां पर है पचास प्रोटॉन तो फिफ्टी टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन सेवेंटी न्यूट्रॉन सो फिफ्टी टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन ये तो हुआ एम टू माइनस एम वन एम वन है इस स्ट्रॉनशियम या सॉरी जो टिन है टिन का न्यूक्लियस का मास जो हमें दिया हुआ है मास ऑफ टिन न्यूक्लियस 119 तो ये वो है ठीक है 119 अब आपको एडवाइस करूं कि ये अगर मेंस में आ जाए तो टाइम कम हो तो इससे छोड़ के आगे बढ़ जाना क्योंकि कैलकुलेशन बहुत गंदी है ना दिख रही है आपको अब ये सारी कैलकुलेशन आप करोगे और यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट भी नहीं कर सकते देखो कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं इतनी सारी सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्योंकि जो डिफरेंस आता है वो बहुत छोटे लेवल पे आता है है ना तो इतना आप ये करके देख लीजिएगा और ये करके देखो कि क्या आता है और आप पाओगे कि आंसर कुछ निकलेगा देखो ए बी सी डी में से कौन सा आ रहा है ज़रा चेक करना कर लोगे कैलकुलेशन विल यू बी एबल टू डू इट ठीक है मेरे ख्याल से डी वाला ऑप्शन आता है चेक करना यू कैन चेक डी वाला ऑप्शन आएगा इसके बाद क्या करोगे डेल्टा एम निकलने के बाद डेल्टा एम निकलने के बाद नाइन थर्टी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आई हाईली अगर एग्जाम में आ जाए तो इसको सबसे लास्ट में करना डोंट डू इट एट द स्टार्ट टाइम वेस्ट हो जाएगा ठीक है अब एक और आया देखो ये भी इतनी गंदी कैलकुलेशन का दिया उन्होंने कहा जब बच्चों से यहां इतनी गंदी कैलकुलेशन करा रहे हैं तो ये सेकेंड शिफ्ट का था तो फर्स्ट शिफ्ट में भी उन्होंने गंदी कैलकुलेशन कराई है ना देखो कितनी गंदी कैलकुलेशन है बोल रहा है कि यूरेनियम यूज कर रहे हैं यूरेनियम फ्यूल इज यूज थर्टी डेज के लिए ठीक है दो किलोग्राम पूरा खत्म हो जाता है थर्टी डेज के अंदर बोल रहा है एनर्जी रिलीज पर फिजन इज टू हंड्रेड एम जब यूरेनियम टूटता है तो यूरेनियम के टूटने से कितनी प्रोड्यूस होती है टू हंड्रेड एम एक एक फिजन से है ना पर फिजन एक यूरेनियम के टूटने से इतनी प्रोड्यूस होती है तो बताइए कि पावर आउटपुट क्या है इस न्यूक्लियर रिएक्टर का तो अगर एक यूरेनियम के टूटने से वन यूरेनियम प्रोड्यूसेस 200 हंड्रेड तो पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि इस दो किलोग्राम में कितने यूरेनियम एटम्स हैं कैसे निकालेंगे तो भाई ये आपको 235 दिख रहा है 235 क्या है मास नंबर है ना मास नंबर इज टू थर्टी फाइव तो मोलर मास आ जाएगा इसका मोलर मास कितना होगा टू थर्टी फाइव ग्राम्स कभी कभी लगता है अपुनिच केमिस्ट्री टीचर है <laughs> तो एम इज टू थर्टी फाइव ग्राम्स मोलर मास एक मोल यूरेनियम का मास होता है टू थर्टी फाइव ग्राम्स ठीक है तो अब हमें पता है कि एक यूरेनियम एटम के टूटने से इतनी एनर्जी निकलती है तो पहले देखें कि दो किलोग्राम में कितने यूरेनियम आइटम्स हैं। तो दो किलोग्राम में यूरेनियम आइटम निकाल लें तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे पूरा केमिस्ट्री करवा रहे हो ना नंबर ऑफ मोल्स निकालो कितने तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए मास ऑफ द गैस विच इज टू इंटू टेन रेस टू थ्री गैस नहीं या तो सॉलिड है टू इंटू टेन रेस टू थ्री ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास मोलर मास इज 235 थर्टी ग्राम ठीक है इससे क्या निकल के आया नंबर ऑफ मोल्स निकल के आए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकलते हैं तो भाई इतने नंबर ऑफ मोल्स हैं एक मोल में एवेगैड्रो नंबर जितने मॉलिक्यूल होते हैं तो एन मोल्स में कितने होंगे एन इन एन इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं तो मॉलिक्यूल्स है एटम्स बोलना चाहिए क्योंकि ये तो यूरेनियम है ना तो इतने नंबर ऑफ एटम्स हैं यूरेनियम के और एक यूरेनियम एटम के टूटने से टू हंड्रेड एम एनर्जी प्रोड्यूस होती है समझ गए तो टोटल एनर्जी प्रोड्यूस विल बी टोटल एनर्जी प्रोड्यूस कितनी आ जाएगी टोटल एनर्जी प्रोड्यूस आ जाएगी एक के टूटने से इतना तो हमारे पास एन नंबर ऑफ देम आर प्रेजेंट तो एन इन टू हंड्रेड इतनी प्रोड्यूस होगी ठीक है सो दिस इज द टोटल एनर्जी दैट द रिएक्टर इज प्रोड्यूसिंग और कितने दिनों में प्रोड्यूस करता है इतना यूरेनियम खपत होने में कितना दिन लगेगा तीस दिन लगेंगे लेकिन ये हमसे पूछ रहा है पावर पावर में वॉट्स में तो पर सेकंड होता है कितना जूल्स पर सेकंड होता है है ना तो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई है तो पावर कैसे निकालेंगे पावर होती है एनर्जी अपॉन टाइम तो देखिए एनर्जी कितनी आएगी ये वाली n 200 MeV मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा जूल्स में कैसे करोगे मेगा को लोगे टेन रेस टू सिक्स ठीक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इलेक्ट्रॉन सब्सिट्यूट करोगे इतना. और ये N, ये कैपिटल कैपिटल यहां से निकलेगा <laughs> इसमें अभी एवेगेड्रो मल्टीप्लाई होगा इसमें तो ये एन आएगा फिर डिवाइडेड बाय टाइम कितना टाइम थर्टी डेज लेकिन हमें तो जूल्स पर सेकेंड चाहिए ऊपर जूल्स है नीचे सेकेंड में चाहिए थर्टी डेज में कितने सेकेंड हैं? तीस दिन हैं चौबीस घंटा है हर एक में साठ मिनट हर एक में साठ सेकेंड हैं, ठीक है क्लियर <laughs> इतना गंदा कैलकुलेशन दी तो ये दोनों सवाल बने थे छोड़ने के लिए ये वाला भी छोड़ने के लिए था और ये वाला भी छोड़ने के लिए था समझ में आ गया तो ऐसा सवाल जहां ये बाइंडिंग एनर्जी के मासेस दिखे ना छोड़ के आगे बढ़ जाओ ठीक है बाद में मिलेंगे बाय बाय खत्म टाटा बाय बाय है ना आगे बढ़ जाना चलो अब अच्छी जरूरी चीज समझते हैं दैट इज रेडियो एक्टिव डी यहीं से हमारी रेडियो एक्टिविटी की जर्नी भी शुरू होगी है ना तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा हम लोगों ने क्या किया कि एलिमेंट्स के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों का हमने ग्राफ प्लॉट किया कि कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं एक न्यूक्लियस के अंदर और हमने क्या पाया हमने पाया कि इनिशियली तो इक्वल नंबर ही मिलते हैं जैसे आप खुद देखो हीलियम हीलियम में यार दो न्यूट्रॉन्स और दो प्रोटॉन्स देखो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन टू है और डिफरेंस लोगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का तो कितना आएगा तो वो भी टू आएगा ऐसे चलते जाओ इनिशियली तो सब ऐसा ही मिलता है कार्बन ले लो इक्वल नंबर ऑक्सीजन ले लो फिर से दोनों के नंबर इक्वल है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऐसा पाया गया कि ट्वेंटी एटॉमिक नंबर तक यह चलता है ठीक है जब तक एटॉमिक नंबर ट्वेंटी है तब तक ऐसा चलेगा लेकिन उसके बाद यूजुअली ये देखा गया कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा हो जाते हैं और आप खुद देखिए आयरन आयरन का आप एग्जाम्पल लीजिए तो छप्पन और छब्बीस है ना यही है। अब आप बताइए इसमें क्या हुआ यहां तक तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इक्वल थे एन इक्वल जेड था समझ रहे हो ना एन क्या है एन है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ये रहा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एन और जेड क्या है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो यहां तक तो इनिशियली तो ये इक्वल होते हैं लेकिन जैसे जैसे अब एटॉमिक नंबर बढ़ता है 20 के बाद जैसे ही जाते हो तो अचानक से ये एन इक्वल वाली जो लाइन है ना इससे एट जो आपके एटम्स हैं वो ऊपर जाने लगते हैं न्यूट्रॉन नंबर बढ़ जाता है दिख रहा है आपको अब इसमें क्या हो गया अब इसमें आपका प्रोटॉन्स तो हो गए 26 लेकिन न्यूट्रॉन्स कितने डिफरेंस लो 30 चार एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन ऐसे ही बढ़ता चले जाएगा और बढ़ता चला जाएगा जितना इधर जाओगे उतने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा होंगे यूरेनियम की बात करोगे तो यूरेनियम में तो और खतरनाक देखो नाइनटी टू टू थर्टी फाइव कितना ज्यादा डिफरेंस है देखो यूरेनियम में निकालो कितना आ जाएगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो 92 और न्यूट्रॉन्स नंबर कितना हो गया तो डिफरेंस ले लो 235 और 92 का देखो कितना आ जाएगा यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं आ जाएगा तो जैसे जैसे ये पाया गया कि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ते चले जाते हैं और इस तरह से ये हो गया तो क्या ऐसा होना गलत है नहीं ऐसा होना बिल्कुल सही है ये अगर हो रहा है ना तो ये अच्छे के लिए ही हो रहा है कैसे पता हमें कि अच्छे के लिए हो रहा है उसका रीजन ये कि भाई जैसे जैसे प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर बढ़ते चले जाते हैं न्यू सॉरी प्रोटॉन्स जैसे जैसे न्यूक्लियस के अंदर बढ़ते चले जाते हैं देख रहे आपको ये न्यूक्लियस है मान लो प्रोटॉन का नंबर बढ़ता चला जा रहा है तो आपको नहीं लगता इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन भी बढ़ती चली जा रही है अभी और ज्यादा रिपेल करेंगे एक दूसरे को तो इनकी रिपल्शन बढ़ जाती है आपस में एक दूसरे को रिपेल करने लगते हैं और तेजी से और जैसे जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन ग्रो करती है इसका बैलेंस बनाने के लिए उतने और न्यूट्रॉन्स को आना पड़ता है ठीक है उतने न्यूट्रॉन्स यहां पर आते चले जाते हैं अब न्यूट्रॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो नहीं लगाते लेकिन न्यूक्लियर फोर्स तो लगाएंगे ना तो उतना ही न्यूट्रॉन की फिर रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है इसको स्टेबल रखने के लिए न्यूक्लियस को समझ में आया तो इसीलिए न्यूट्रॉन नंबर ज्यादा देती है नेचर लेकिन कुछ और भी तेजस्वी हैं भाई पहले ही तुम्हें ज्यादा दिया है मान लो ये आयरन है आयरन को हमने पहले ही तीन ज्यादा दिए सॉरी चार ज्यादा दिए मान लो आयरन बोले नहीं चार से भी काम नहीं बनता एक काम करो छह और दे दो मान लो एक ऐसा आयरन आ जाए जिसमें ये तो छब्बीस है ठीक है लेकिन उधर वो कितना चाहता है उधर वो चाहता है कि मेरे यहां पर आप दे दो थर्टी थर्टी सिक्स दे दो और भी ज़्यादा दे दो ठीक है तो और भी ज़्यादा दे देगा स्टेबिलिटी थर्टी से आती है और मान लीजिए न्यूट्रॉन नंबर और बढ़ा दिया मान लीजिए सिक्सटी कर दिया जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल तो क्या ये न्यूक्लियस अब स्टेबल होगा नहीं होगा भाई तू चार एक्स्ट्रा रख तेरी स्टेबिलिटी के लिए अभी तूने कितने एक्स्ट्रा रख लिए अभी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गए समझ रहे हो आप लोग इट्स टू मच नाउ इट इज थर्टी फोर सो अब ये स्टेबल नहीं है तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो ये लाइन ऑफ स्टेबिलिटी से भी या तो ऊपर चले जाते हैं या नीचे चले जाते हैं कुछ ऐसे होते हैं जो न्यूट्रॉन नंबर बढ़ा लेते हैं होना चाहिए था 56 कर लिया 60 कुछ ऐसे होते हैं कि कम कर लेते हैं होना चाहिए था 56 लेकिन कितना कर लेते हैं 50 तो रिक्वायर्ड नंबर से भी कम हो जाता है तो वो लाइन के क्या हो जाते हैं नीचे आ जाते हैं समझ लो ऐसे दो तरह के एलिमेंट्स हो जाते हैं तो अब जब इस तरह की अनस्टेबिलिटी आ जाती है न्यूक्लियस के अंदर कि नेचर ने जिस तरह से उसको डिजाइन किया था उस तरह से वो रह नहीं रहा है उसमें कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो गया है नंबर में तो फिर क्या होता है तो जो एलिमेंट होता है ना जो न्यूक्लियस वो तुरंत डीके करता है डीके करने का मतलब वो तुरंत एक ना एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन को कन्वर्ट करता है ताकि उनका नंबर बदले ठीक है और कैसे कन्वर्ट करता है ये इस नंबर को इस नंबर को कैसे चेंज करता है मान लीजिए ऐसा कोई आयरन हो अब ये डेस्परेट है कि इसको मैं फिफ्टी सिक्स कर लूँ तो ये कुछ ना कुछ ऊपर नीचे करेगा ताकि ये फाइनली फिफ्टी सिक्स हो जाए और कुछ ना कुछ करने के तीन तरीके होते हैं क्या तीन तरीके हैं वो तीन तरह के डी होते हैं पहले टाइप का डी होता है रेडियो एक्टिव डी के सॉरी अल्फा डी सारे रेडियो एक्टिव डी ही हैं लेकिन पहले टाइप का उसमें जो डीके है दैट इज अल्फा अगर एक न्यूक्लियस सोचता है कि यार मैं तो अनस्टेबल हूं मान लीजिए आयरन आयरन 60 60 26 आपको पता है ना ये अनस्टेबल है 60 ये क्या बनना चाहता है ये बनना चाहता है आपका 56 तो ये कैसे बनेगा जरा बताइए तो ये बोलेगा यार ऊपर से चार कम कर लो है ना आयरन 56 बनाने के लिए इसको मैं स्टार कर देता हूं ये कोई अनस्टेबल सा है इसको चार हटाने तो क्या करेगा ये एक ऐसा एलिमेंट डीके करेगा जिसका कि खुद का मास नंबर कितना हो चार और आपको नहीं लगता अल्फा पार्टिकल का चार होता है ये एक अल्फा पार्टिकल एमिट कर देगा जिसका खुद का चार होता है ठीक है समझ में आया क्लियर है हालांकि इसके कारण एटॉमिक नंबर में भी गड़बड़ हो जाएगी लेकिन दिस वॉज जस्ट अ वेग एग्जाम्पल टू मेक यू अंडरस्टैंड ठीक है समझ में आ रहा है आपको तो अल्फा पार्टिकल एमिट करके ये स्टेबिलिटी अचीव कर सकता है और इसका रियलिस्टिक एग्जाम्पल ये तो मैंने ऐसे ही बना दिया आपको एग्जाम्पल देने के लिए इसका रियलिस्टिक नेचर में ये चीज कहां होती है नेचर में ये चीज जहां होती है ना आपको मजा आ जाएगा सुन के काफी लोगों को तो ये पहली बार पता चलेगा रीजन कि अच्छा ये रीजन था रेडियम जिसको आप जानते हो रेडियम रेडियम आपने देखा है घड़ियों में घड़ियों के डायल जो होते हैं वो चमकते हैं या कुछ ऐसे ग्लास पुराने टाइम में बनाए जाते थे अब उन पर बैन लगा दिया गया है ऐसे ग्लास बनाए जाते थे जो ग्रीन कलर के ग्लो करते थे दिखाऊं आपको ये देखो दिख रहा है आपको ये घड़ी के डायल ये रेडियम चमक रहा है ये ग्लास हैं कुछ ग्रीन कलर के ये भी क्या है ये भी रेडियम इनके अंदर है तो क्या आपने कभी सोचा कि नेचुरली ऐसे ग्रीन कलर कैसे प्रोड्यूस करते हैं ऐसा लगता है इनके अंदर कोई लाइट है कोई इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है इनको अंदर और उसके कारण ये ग्लो कर रहे हैं कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे रहा ये नेचुरली हो रहे हैं इसे नेचुरली ऐसा कैसे हो गए अब मैं आपको समझाता हूँ ध्यान दीजिए यूरेनियम जिसकी अभी हमने बात करी द यूरेनियम न्यूक्लियस यूरेनियम की एक खासियत है यूरेनियम क्या करता है ना यूरेनियम रेडियम में कन्वर्ट होता है उसकी एक मल्टीपल स्टेप प्रोसेस है जिसके थ्रू यूरेनियम रेडियम में कन्वर्ट होता है थोरियम भी होता है बाय द वे यूरेनियम और थोरियम दोनों फाइनली रेडियम में कन्वर्ट होते हैं उनकी डीके प्रोसेस के अंदर मल्टीपल डीके चलते हैं उनके फाइनली जब रेडियम बनता है रेडियम खुद अनस्टेबल है रेडियम क्या करता है तुरंत अल्फा डीके करता है देख रहे अल्फा डीके एक हीलियम न्यूक्लियस को इसने बाहर फेंक दिया तो इसका 226 था चार से कम हो जाएगा ट्रिपल टू एटी एट था दो से कम हो जाएगा 86 ये बन जाती है रेडॉन गैस ये क्या बना रेडॉन गैस रेडॉन गैस बन गई और रेडॉन गैस इज वेरी हार्मफुल तो आपको पता है कि यूरेनियम और अगर मैं आपको दे दूं नेचुरली ऑकरिंग उससे आपको इतना खतरा नहीं है यूरेनियम और नॉर्मली एक अल्फा डी के कर रहा होगा ठीक है या रेडियम भी मैं आपको दे दूं थोड़ा सा ये लो भाई रेडियम उससे इतना ज्यादा खतरा नहीं होगा हार्डली वो अल्फा पार्टिकल एमिट करेगा अल्फा पार्टिकल मोस्ट ऑफ देम आपकी स्किन रोक लेती है इतना ज़्यादा आपको हार्मफुल नहीं है अल्फा पार्टिकल जो हार्मफुल हो जाता है पार्ट वो होता है जब रेडियम रेडॉन गैस एमिट करता है और आप हैरान होंगे कि यूएस में सबसे ज्यादा यूरेनियम पाया जाता है वहाँ के नेचर के अराउंड भी बहुत ज्यादा यूरेनियम है इसलिए यूएस घरों में एक कॉमन सी चीज़ है जिसको बोलते हैं रेडॉन डिटेक्टर आप अपने घर में एक रेडॉन डिटेक्टर लगा सकते हैं क्योंकि मान लीजिए आप एक नेचुरल जगह में रह रहे हैं जहाँ बहुत सारे पहाड़ हैं पहाड़ों में यूरेनियम की बहुत ज्यादा मात्रा प्रेजेंट है यूरेनियम नेचुरली रेडियम में कन्वर्ट हो रहा होगा रेडियम से रेडॉन निकल रही होगी वो रेडॉन आपके घर में आ रही होगी तो अगर रेडॉन घर में आ गई और इसको आपने इनहेल कर लिया तो आपको ये लंग्स कैंसर कर सकती है और यूएस में सेकेंड लार्जेस्ट रीजन फॉर लंग्स कैंसर इज रेडॉन गैस ठीक है पहला ऑब्वियसली आप गैस कर सकते हैं स्मोकिंग <laughs> स्मोकिंग के बाद जो दूसरा है दैट इज रेडॉन गैस तो रेडॉन डिटेक्टर हर घर में लगे होते हैं यूएस के तो इस रेडॉन गैस से बचना होता है यूरेनियम की जब माइनिंग हो रही होती है ना उसके मजदूर भी रेडियो एक्टिविटी से इतना नहीं मरते जितना ये रेडॉन अंदर जाने से मरते हैं लंग्स में तो ये है अल्फा डीके लेकिन इस अल्फा डीके का फायदा है फायदा क्या है कि रेडियम ग्लो करने लगता है अब ये रेडियम कैसे ग्लो कर रहा है अब फिर से आपको झूठ बोला गया कि रेडियम ग्लो कर रहा है आज फिर से मैं आपको डिटेल में समझाता हूं एक्चुअली इट इज नॉट द रेडियम दैट इज ग्लोइंग रेडियम जब अल्फा पार्टिकल एमिट करता है तो यहां से खूब सारी एनर्जी भी निकलती है एनर्जी भी निकलती है ठीक है तो ऐसा नहीं करते हैं कि सीधा रेडियम उठा के इसमें डाल दिया प्योर रेडियम ऐसा कभी नहीं होगा इसमें बहुत कम मात्रा में रेडियम है इतना कम कि जितना रेडिएशन एक बनाना से निकल रही होती है ना बनाना पोटेशियम रिच होते हैं ठीक है थीके? तो पोटेशियम में से भी रेडिएशन निकलती है तो जितना एक बनाना में निकलती रेडिएशन हार्डली उतनी निकलती है उससे हल्की सी ज्यादा इतना काम इसके अंदर रेडियम है ठीक है वो रेडियम काय में कन्वर्ट होता है रेडॉन में कन्वर्ट होता है एंड एट द सेम टाइम एम इट्स अमाउंट ऑफ एनर्जी वो एनर्जी पता है क्या करती है इसके अंदर हम यूजली कॉपर सल्फाइड मिलाते हैं रेडियम के साथ कॉपर सल्फाइड का मिक्सचर बनाया जाता है उस कॉपर सल्फाइड पे ये एनर्जी गिरती है अंदर ही अंदर सब हो रहा है अंदर ही डीके चल रहा है उससे एनर्जी निकली वो अंदर ही कॉपर सल्फाइड को मिली कॉपर सल्फाइड को जैसे ही मिली उसका इलेक्ट्रॉन जंप किया ऑर्बिट में हायर एनर्जी लेवल में गया एक्साइटेशन फिर वहां से उसका डी एक्साइटेशन हुआ और उसने एक फोटोन रिलीज किया वो फोटोन आपको ही नजर आ रहा है ग्रीन कलर लाइट का तो आया मजा कि कैसे कैसे चीजें कनेक्टेड है न्यूक्लियर फिजिक्स की रेडियो एक्टिविटी जो कल हमने पढ़ा था एटम्स चैप्टर उससे जाके रिलेट कर रही है ठीक है सो दिस इज दी एंटायर साइंस बिहाइंड इट ओके चलो अब अल्फा डी के समझ में आ गया तो अल्फा डी के जब भी आपको बोले कि एक एलिमेंट है एक्स जेड ए आपको बोल दे ये अल्फा डी के कर गया बताओ आउटपुट क्या होगा तो सीधी सी बात है भाई ए जो होगा वो फोर से कम हो जाएगा जेड जो होगा वो टू से कम हो जाएगा प्लस आपका क्या निकलेगा प्लस अल्फा पार्टिकल निकलेगा प्लस एनर्जी निकलेगी तो फिर से बता दूं ऐसा न्यूक्लियस क्यों करते हैं क्योंकि अनफॉर्चुनेटली उनमें जो स्टेबिलिटी चाहिए होती है ना कई बार उस नंबर से ऊपर नीचे हो जाता है तो उसको वापस अपनी स्टेबिलिटी पे लाने के लिए ये ऊपर या नीचे हैं तो इनको वापस अगर बैंड ऑफ स्टेबिलिटी पे आना है तो उसके लिए ये सब ये करते हैं एमिशन वगैरह करते रहते हैं दूसरा टाइप का एमिशन जो होता है दैट इज बीटा डी बीटा डीके में दो टाइप्स चलते हैं ठीक है और वो दो टाइप्स कैसे ये जब आप सुनोगे तो हैरान हो जाओगे एक टाइप का बीटा डीके होता है जिसमें एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है अब यहां पर केमिस्ट्री वाले फिर परेशान हो जाएंगे क्या बोल दिया न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है हां भाई न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो सकता है म्यूटेशन हो जाता है न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में ऐसा कैसे ऐसा ऐसे बीटा डीके से तो एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में तब्दील हो सकता है लेकिन यार इसके पास चार्ज है और ये न्यूट्रल था हाँ तो अभी बताते ना आपको ये देखो इसके पास मास है और चार्ज इसका जीरो था प्रोटॉन के पास मास है लेकिन चार्ज आ गया प्लस वन तो इस वजह से क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ साथ में एक इलेक्ट्रॉन भी निकलता है अब इलेक्ट्रॉन का मास तो कुछ है नहीं इट्स लाइक नेग्लिजिबल मास हाँ लेकिन चार्ज जरूर माइनस वन है तो न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो एक इलेक्ट्रॉन भी साथ में निकालता है और जैसे इलेक्ट्रॉन साथ में निकलता है तो ये तो सिर्फ एक कूलॉम्बिक चार्ज का कंजर्वेशन हुआ ऐसे आगे जब आप क्वांटम फिजिक्स पढ़ोगे ना तो कुल्बिक चार्ज के अलावा इसमें लेप्टॉन नंबर भी चलते हैं लेप्टॉन जो पार्टिकल होते हैं जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं मैटर के ठीक है तो कुछ ऐसे लेप्टॉन्स हैं जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उन लेप्टॉन्स में आते हैं न्यूट्रीनो एंटीन्यूट्रीनोज एंड इवन इलेक्ट्रॉन्स तो इलेक्ट्रॉन का लेप्टॉन नंबर बैलेंस करने के लिए एक और चीज एमिट होती है जिसको कहते हैं एंटी न्यूट्रीनो क्या एमिट हुआ एंटी न्यूट्रीनो ठीक है तो जब भी एक इसको कहा क्या जाता है इसको कहा जाता है बीटा डीके अब देखो केमिस्ट्री वाले कितने लेवल पे हैरान होंगे एक तो इस लेवल पे हैरान होंगे कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ अच्छा न्यूट्रॉन रिसाइड कहाँ करता है न्यूट्रॉन रिसाइड करता है न्यूक्लियस के अंदर यानी कि न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रॉन था और वो न्यूक्लियस के अंदर ही न्यूट्रॉन किस में ब्रेक हुआ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में और फाइनली इसने ये इलेक्ट्रॉन को कहां फेंक दिया इसने इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक दिया तो नाइटमेयर हो जाएगा केमिस्ट्री के लिए कि एक इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहा है कहां से न्यूक्लियस के अंदर से न्यूक्लियस के अंदर भी इलेक्ट्रॉन बसते हैं समझ में आ रही है बात तो न्यूक्लियर फिजिक्स हिला देने वाला सब्जेक्ट है हिला देने वाला टॉपिक है क्यों हिला डाला ना <laughs> ऐसे टाइप का है न्यूक्लियस तो अंदर से इलेक्ट्रॉन निकला न्यूक्लियस के एंड क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन बहुत हाईली एनर्जेटिक होता है इट इज नॉट लाइक नॉर्मल इलेक्ट्रॉन जो बाहर रिवॉल्व कर रहा है उस इलेक्ट्रॉन से यह डिफरेंट होता है किस तरह से डिफरेंस होता है इसकी बहुत हाई एनर्जी होती है इसीलिए राधर इट इलेक्ट्रॉन हम इसको क्या कहते हैं हम इसको कहते हैं बीटा पार्टिकल बीटा नेगेटिव पार्टिकल तो ये जो बीटा डीके में आप बीटा देखते हो ना दैट बीटा एक्चुअली रिप्रेजेंट एन इलेक्ट्रॉन बट नॉट द आउटसाइड वाला रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन रादर इलेक्ट्रॉन विच कम्स फ्रॉम इनसाइड न्यूक्लियस द हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन ठीक है ये वो है right. अब ये तो हो गया बीटा नेगेटिव डी के एक होता है बीटा पॉजिटिव डी के उसमें क्या होता है उसमें क्या करते हैं कुछ एलिमेंट्स अपने न्यूक्लियस के अंदर अच्छा आप पूछ सकते हो कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में हुआ क्यों कन्वर्ट क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रॉन ज्यादा रहे होंगे अगर न्यूट्रॉन ज्यादा रहे होंगे तो ये प्रोटॉन में कन्वर्ट कर देगा कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिनके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन ज्यादा हो गए रिपल्शन बढ़ रही है उसको स्टेबलाइज होना है तो वो एक प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर देगा अब फिर वही बात है कि यार इसके पास तो चार्ज था मास था न्यूट्रॉन के पास तो कोई चार्ज ही नहीं मास जरूर है मास कंजर्वेशन तो दिख रहा है चार्ज नहीं दिख रहा तो इसको बैलेंस करने के लिए एक बहुत लाइट पार्टिकल निकलना पड़ेगा सोचो अब बहुत लाइट पार्टिकल इतना लाइट कि उसका मास तो जीरो हो लगभग जीरो नेग्लिजिबल लेकिन चार्ज हो और कितना चार्ज हो प्लस वन अब नेग्लिजिबल मास तो किसका होता है इलेक्ट्रॉन का होता है तो पहली बार ये सोचा गया कि इलेक्ट्रॉन का एक भाई भी होना चाहिए जिसका कि मास तो लगभग जीरो हो नेग्लिजिबल लेकिन चार्ज हो प्लस वन और ये जो इलेक्ट्रॉन का भाई है इसको क्या कहते हैं पॉजिट्रॉन तो इसमें कहा जाता है पॉजिट्रॉन ठीक है एक होता है इलेक्ट्रॉन और एक होता है पॉजिट्रॉन समझ में आई तो पॉजिट्रॉन निकलेगा अब लेप्टॉन नंबर भी बैलेंस करना है तो एक न्यूट्रीनो निकलेगा न्यूट्रीनो एंड एंटी न्यूट्रीनो ठीक है समझ में आ गई ये चीज आपको क्लियर है ओके तो दो टाइप के बीटा डी के होते हैं एक होता है बीटा नेगेटिव डी के जिसमें कि इलेक्ट्रॉन निकलता है यानी कि बीटा नेगेटिव पार्टिकल और एक होता है बीटा पॉजिटिव डीके जिसमें पॉजिट्रॉन निकलता है बीटा पॉजिटिव पार्टिकल और इसके दो एग्जाम्पल मैंने दिए हुए कार्बन फोर्टीन और कार्बन टेन इस डीके को करते हैं क्लियर है सबको चलो अब थर्ड एंड द लास्ट टाइप ऑफ डीके दैट इज गामा डीके गामा डीके और भी खतरनाक है अब फिर से नींद उड़ने वाली है केमिस्ट्री वालों की क्यों नींद उड़ेगी तो देखो हमने अभी तक पढ़ा था कि भाई जो आउटसाइड ऑर्बिट्स हैं न्यूक्लियस के बाहर जो ऑर्बिट होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन चल रहे होते हैं उसके अलग अलग एनर्जी लेवल्स होते हैं इसका E1 है इसका E2 है और इलेक्ट्रॉन्स जंप करते रहते हैं अलग अलग एनर्जी लेवल्स में जब हमने न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ना शुरू किया तो पाया कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल नहीं होते हैं न्यूक्लियस के अंदर भी एनर्जी लेवल होते हैं अंदर भी शेल्स तो नहीं कहूंगा मैं लेकिन एनर्जी लेवल्स बने हुए हैं अलग अलग न्यूट्रॉन्स के भी अपने अपने एनर्जी लेवल हैं तो कई बार न्यूट्रॉन क्या है लो लेवल में रिसाइड कर रहा है तो अगर आपने इस न्यूक्लियस को एनर्जी दी यहां लाके प्रोटोन बोमबार्ड करा दिया तो इस न्यूक्लियस को एनर्जी मिली तो ये न्यूट्रॉन हायर लेवल में जंप कर जाएगा हायर एनर्जी लेवल में फिर वहां स्टेबल नहीं है तुरंत डीएक्साइट करेगा और एक फोटोन रिलीज करेगा डी एक्साइटेशन जैसे एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन इलेक्ट्रॉन्स का होता है वैसे अंदर मौजूद न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स का भी होता है न्यूक्लियस की अलग ही अपनी दुनिया है अंदर सब कुछ चल रहा है तो उसके कारण फोटॉन्स रिलीज होते हैं तो यही आपको यहां पर दिखा रहा है ये एक एक्साइटेड न्यूक्लियस है न्यूक्लियस में भी एक्साइटेशन होता है एक्साइटेड न्यूक्लियस एमिट्स अ फोटोन और फिर स्टेबिलिटी अचीव करता है अब ये फोटोन है तो फोटोन क्या होगा फोटोन का ना तो कोई मास होगा ना तो कोई चार्ज होगा तो इसमें कोई चेंज नहीं आता अगर आपको बोले कि एक एक्स एलिमेंट है इसका गामा डी के हो गया तो कुछ नहीं होगा बस ये यही रहेगा ना इसमें बदलाव आया ना उसमें बदलाव आया समझ गए बस खूब सारी एनर्जी निकलेगी ऑल ये गामा रेडिएशन बहुत हाईली एनर्जेटिक होती है कितनी एनर्जेटिक कि आपकी स्किन को भी पेनेट्रेट कर दे और स्किन को पेनेट्रेट करके आपके अंदर सेल्स में जा सकती है सेल्स में जाने के बाद ये आयनाइजेशन अंदर कर देगी जिससे कि वाइट ब्लड सेल्स को डिफिकल्टी हो जाएगी एट द सेम टाइम डीएनए भी म्यूटेट हो जाएगा तो आप सुनते हो ना कि जापान में जब न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा था तो क्या हुआ था न्यूक्लियर बॉम्ब से इतना डर क्यों है देखो बॉम्ब गिरे उस समय कुछ जो लोग मर गए ठीक है वो भी बहुत गलत बात है लेकिन मान लो वहीं पे अगर एंड हो गया ठीक है यूक्रेन वॉर एंड हो जाती है चलो तो ठीक है अभी कुछ मरे हैं विच इज वेरी बैड बट एट लीस्ट एंड तो होगा जापान में जब बॉम्ब गिरा न्यूक्लियर बॉम्ब की यही एक तो बुरी बात है कि जब धमाका होता है उसमें तो लोग मरते ही हैं क्योंकि इतनी एनर्जी रिलीज हुई उसके बाद जो रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल हैं वो हवा में निकल जाते हैं तो उसके धमाके के कई सालों बाद तक वो रेडिएशन उस जगह में फैली होती है वो डीके कर रहे होते हैं ऐसे मान लो हवा में एक रेडियो एक्टिव यूरेनियम मौजूद है उस यूरेनियम ने गामा रे एमिट करी क्योंकि उसने डी एक्साइटेशन किया वो हवा में मौजूद है सालों तक है अभी मान लो आप बैठे और यहाँ एक यूरेनियम आया उसने गामा एमिट किया आपको पता भी नहीं चलेगा वो गामा रे आ गई आपके ऊपर आपके अंदर गई आपका डीएनए उसने म्यूटेट कर दिया तो नॉट ओनली आपको नुकसान होगा कि इससे जिसके ऊपर भी वो एमिट होगी वो उसको कैंसर होगा उसका डी खराब हो जाएगा डी खराब होगा तो आने वाली जो जनरेशन है उसके जो बच्चे हैं उनमें भी हैंडी और इस तरह के बच्चे पैदा होंगे तो इसीलिए न्यूक्लियर जो बॉम्ब होता है ना बहुत खराब होता है आने वाली जनरेशन तक को अफेक्ट कर देता है हाईली डेंजरस ठीक है तो इसीलिए जब पुतिन भाई साहब कह रहे हैं कि अपने ट्रायर्ड को कि रेडी रहो तो बहुत खतरनाक सिग्नल है ये ठीक है समझ में आई तो इतनी सारी डिटेल्स थी आपको पता था क्या न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर <laughs> चलो तो अब ध्यान से देखो गामा अल्फा और बीटा की जो रेज निकलती हैं उसको हम मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में भेज सकते हैं और आप समझ ही सकते हो अगर मान लो बीटा नेगेटिव डी के हो रहा है तो वो कहाँ पे जाएगा पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा अल्फ़ा खुद पॉजिटिव होता है तो वो नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा गामा फोटोन है उसका कोई चार्ज ही नहीं है सीधा निकल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड में वही बात है क्यू वी क्रॉस बी अब यहाँ पर आप रेडियस भी देखो अलग अलग देख सकते हो क्योंकि आप इस सवाल पूछ सकते ना कैसे पता चला उन्हें पॉजिट्रॉन निकला खोज कैसे हुई पॉजिट्रॉन की उनका पाथ देखकर मैग्नेटिक फील्ड में वो कैसा रेडियस बना रहे हैं, उससे पता चला क्योंकि ये जो रेडियस होता है, it is mv upon qb. मास और चार्ज के रेशो से प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि ये कौन सा पार्टिकल है समझ में आया अब आप देखो इलेक्ट्रॉन बीटा पार्टिकल एक इलेक्ट्रॉन है मास बहुत कम है इसका मास कम है तो बीटा पार्टिकल का रेडियस भी कम होना चाहिए दिख रहा है कितना कम रेडियस छोटा रेडियस अल्फा बहुत हैवी है मास ज्यादा तो रेडियस भी ज्यादा तो बड़े सर्कल में जाएगा देखो बड़ा रेडियस है इसका क्लियर आपको ठीक है ऑल राइट हाँ बिल्कुल यू शुड वॉच स्पेशल में न्यूक्लियस तो मैंने सिर्फ रेडियो एक्टिविटी पढ़ाई थी मास डिफेक्ट वाला पार्ट नहीं पढ़ाया था तो इसलिए वो आप देख सकते हो तो ये मैंने एक ग्राफ आपके लिए बना दिया है शॉर्ट नोट्स के लिए कि ये ऐसे एलिमेंट हैं जो बीटा पॉजिटिव डीके करते हैं ये ऊपर वाले ऐसे एलिमेंट हैं जो बीटा नेगेटिव करते हैं ये कुछ यहाँ पर दिख रहे हैं जो अल्फा करते हैं ठीक है ये ग्राफ है बहुत बढ़िया ग्राफ है ये और जो ब्लैक वाले हैं वो तो स्टेबल हैं समझ में आ गई यहाँ तक कहानी क्लियर है आगे बढ़ जाऊँ ओके चलो अब देख लीजिए क्यू वैल्यू ऑफ अ रिएक्शन क्यू वैल्यू ऑफ अ रिएक्शन क्या होती है क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन होती है जब भी एक रेडियो एक्टिव रिएक्शन हुई यानी कि रेडियो एक्टिव डी हुआ मान लो ये जैसे आपको कैसा डीके दिखा है बीटा नेगेटिव डीके दिख रहा है तो इसमें कितनी एनर्जी रिलीज हुई हमें यह तो पता है कि एनर्जी निकली है हर डीके में बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है भाई तभी तो वो मैंने आपको रेडियम का बताया अल्फा डीके वैसे ज्यादा डेंजरस नहीं होता है पर इसमें भी इतनी एनर्जी निकलती है कि ये ग्लो करने लगते हैं एक छोटी की छोटी सी मात्रा ऑफ रेडियम की वजह से है ना इतना एक्साइटेशन हो जाता है फ्लोरोसेंट फिना तो एनर्जी तो निकल रही है ये बात तो पक्की है कितनी निकल रही है कैसे निकालें तो फिर से हम क्या करते हैं मास डिफेक्ट निकालते हैं क्यू वैल्यू कैलकुलेट होती है मास डिफेक्ट से सर मास डिफेक्ट तो न्यूक्लियस का होता था ना हाँ वो होता था लेकिन अब हम रिएक्शन के अंदर मास डिफेक्ट निकालेंगे यानी कि हम देखेंगे कि ये जो प्रोडक्ट आया है प्रोडक्ट का मास कितना है टोटल एक रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है आउटपुट है उसका कितना मास है प्रोडक्ट का मास से निकला और यहां पर जो रिएक्टेंट था उसका मास हम देखेंगे कितना है एम वन तो यहां पर भी अगर मान लो दो रिएक्टेंट है तो टोटल लेना है तो टोटल प्रोडक्ट मास टोटल रिएक्टेंट मास इनको सब करेंगे ठीक है उससे हमारा आएगा मास डिफेक्ट इन दिस इक्वेशन ये जो इक्वेशन हुई है इसमें मास डिफेक्ट निकला रिएक्शन में और अब अगर क्यू वैल्यू चाहिए तो इट इज द एनर्जी एनर्जी रिलीज टू दिस मास डिफेक्ट तो तो कितनी आ जाएगी बताइए तो ये एनर्जी आ जाएगी अब देखो है क्या ना इधर का मास ज्यादा होगा इधर से क्यों इधर का मास ज्यादा होगा क्योंकि यहां पर एनर्जी निकली तो इसने कुछ अपना मास एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया रिएक्टेंट ने तो एक्चुअली ये एम वन माइनस एम टू हम यहां पर लेंगे बिकॉज हमेशा ऑलवेज रिमेंबर कि रिएक्टेंट मास विल बी ग्रेटर फॉर एनर्जी टू बी रिलीज समझ रहे हो ना जो इसका मास ज्यादा था अब यहां पे कम हो गया तो वो गया कहाँ मास जो कम हुआ वही तो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है ठीक है समझ में आ रही है बात ओके okay, तो एम वन माइनस एम टू किया जाता है और q वैल्यू क्या आ जाएगी डेल्टा एम सी स्क्वायर यह आ गई Q वैल्यू इज़ एनर्जी और मास डिफेक्ट कैसे निकाला था पहले दिख रहा है ना बताइए रिएक्टेंट का मास क्या है अगर मास डिफेक्ट कैलकुलेट करू मैं तो बताइए इसका जो भी मास है वो लिखना है माइनस मास ऑफ रियक्टेंट रिएक्टेंट साइड में किसका मास है ये तो इलेक्ट्रॉन है नेग्लिजिबल मास न्यूट्रीनो एंटीन्यूट्रीनो Negligible mass. ले दे के mass किसका? ये y का, तो बस mass of y से मल्टीप्लाई कर देना, C से multiply कर देना. ये mass defect आ गया है, इसको C square से multiply कर दो एनर्जी आ गई समझ में आ गया क्लियर है सबको ऑल राइट अब देखिए किस तरह के आसान सवाल इसके ऊपर निकल के आते हैं वेरी इजी टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखिए हाउ इज इट कह रहा है कि इन द ऑप्शन गिवन बिलो लेट ई डिनोट द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस है ना एंड न्यूट्रॉन द करेक्ट ऑप्शन क्या है बताइए तो क्या होगा तो ई डिनोट्स रेस्ट मास एनर्जी ठीक है मास के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होती है ना वो ई e डिनोट कर रहा है तो बताइए कि अगर डी के हो रहा है तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि हमेशा रिएक्टेंट का मास ज्यादा होगा प्रोडक्ट से तभी तो एनर्जी रिलीज होगी एम वन इज ऑलवेज ग्रेटर देन एम टू तभी एनर्जी रिलीज होती है तो यहां पर कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिसमें रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है ए इक्वेशन है ना ए इज द इक्वेशन वेर रिएक्टेंट एनर्जी इज ग्रेटर देन प्रोडक्ट तो कौन सा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा समझ आया एवरीबडी क्लियर है ओके तो आई होप सबको समझ में आ रहा है ऑल राइट right. अब आगे बढ़ते हैं एक और सवाल देखिए ये भी बड़ा आसान सवाल कह रहा है कि यूरेनियम को बम्बार्ड किया न्यूट्रॉन से उसका फिजन हुआ द फिजन रिएक्शन कैन बी रिटर्न एज दिस देख रहा है आपको क्यू एनर्जी रिलीज हुई क्यू वैल्यू और कुछ थ्री एक्स निकला तो आपसे पूछ रहा है कि ये जो एक्स पार्टिकल है ये क्या है इज दिस पार्टिकल एक्स दैट इज प्रोड्यूस्ड अब जिनको यूरेनियम की रिएक्शन मालूम है उनको तो पता ही है कि न्यूट्रॉन निकलते हैं तीन न्यूट्रॉन निकलते हैं रिएक्शन में नहीं भी मालूम है तो कैसे करेंगे मान लीजिए कोई अननोन रिएक्शन दे दी तो क्या तरीका होना चाहिए चार्ज और मास बैलेंसिंग रिएक्शन की बताइए यहां पर कितना मास है टू थर्टी फाइव प्लस वन इधर कितना है टू थर्टी सिक्स है ना इधर है टू थर्टी सिक्स टोटल और यहां पर यहां पर देख रहे हैं तो ये कितना आ रहा है टू थ्री और ये कितना हो गया टू थ्री टू इतना ही हो गया टू थ्री टू हो गया है ना तो कितने का डिफरेंस है यहाँ पर सॉरी टू थ्री थ्री होगा क्या हाँ टू थ्री थ्री होगा ठीक है टू थ्री थ्री होगा मैं मल्टीप्लाई थोड़ी कर रहा हूँ ऐड कर रहा हूँ टू थ्री थ्री दिख रहा है यहाँ पे टोटल वन फोर्टी वन प्लस नाइन्टी टू दू थ्री थ्री और यहां पर नंबर थर्टी फाइव प्लस वन दट टू का डिफरेंस कितना आया थ्री आया तो थ्री मास नंबर प्रोड्यूस होना चाहिए यानी कि एक्स का मास नंबर कितना होना चाहिए वन क्योंकि वन इंटू थ्री हमें कितना दे देगा थ्री तो ये एक ऐसी चीज है जिसका मास नंबर वन हो गया और चार्ज देखो चार्ज में यहां पर नाइनटी टू प्लस जीरो इधर 92 टू है और इधर फिफ्टी सिक्स प्लस थर्टी सिक्स वो भी नाइनटी टू तो चार्ज में तो कोई डिफरेंस नहीं है सो वी डोंट नीड एनी चार्ज चार्ज होना चाहिए जीरो तो बताइए ऐसा कौन सा होता है कि मास है लेकिन चार्ज नहीं है न्यूट्रॉन होता है समझ आया तो अगर कोई अननोन रिएक्शन भी दे दी ना तो आप इस तरह से उसको कर पाओगे कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी ठीक है दोस्तों एक और सवाल देख लो स्टार कैन कन्वर्ट ऑल द हीलियम न्यूक्लिया कंप्लीटली इन टू ऑक्सीजन न्यूक्लिया अगर एक स्टार है जो अपने हीलियम न्यूक्लिया को कंप्लीटली कन्वर्ट कर रहा है ऑक्सीजन न्यूक्लिया में तो जरा लिख लेते हैं टू फोर एट सिक्सटीन तो बताइए कितने हीलियम लगेंगे इसको करने के लिए फोर हीलियम लगेंगे है ना रिएक्शन बैलेंसिंग ओके मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस दिया है मास ऑफ ऑक्सीजन न्यूक्लियस दिया है तो आपसे बोल रहा है कि इसमें बताइए कि कितनी एनर्जी रिलीज होगी द एनर्जी रिलीज पर ऑक्सीजन न्यूक्लिया हर एक ऑक्सीजन न्यूक्लिया बनने पे कितनी एनर्जी यहां पर आई है आउटपुट में तो ये एनर्जी और कुछ नहीं क्यू वैल्यू है ना रिएक्शन की रिएक्शन की क्यू वैल्यू कैसे निकालेंगे यहां का मास टाइम्स यहां का मास और डिफरेंस ठीक है तो क्या आ जाएगा डेल्टा एम डेल्टा एम होगा एम वन माइनस एम टू और कितना है वो यहां पर मास देखो कितना है फोर टाइम्स द मास ऑफ हीलियम हीलियम का मास आपको दिया हुआ है फोर पॉइंट जीरो जीरो टू सिक्स माइनस मास ऑफ ऑक्सीजन न्यूक्लियर वो भी दिया है फिफ्टीन पॉइंट नाइन नाइन फोर इतना तो आ गया मास डिफेक्ट एनर्जी चाहिए क्यू तो क्या हो जाएगी डेल्टा एम सी स्क्वायर या ये कह लो ये ए एमयू में निकल के आएगा ए एमयू में निकल के आएगा तो आप नाइन थर्टी वन से मल्टीप्लाई कर देना ज्यादा बेटर तरीका ये हो गया कि आप डेल्टा एम को नाइन थर्टी वन एम ई वी से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आंसर निकलेगा चेक कर लीजिएगा टेन पॉइंट टू फोर आएगा सी ऑप्शन आएगा ठीक है right. क्लियर है अब रेडियो एक्टिविटी कॉन्सेप्ट है विच इज द लास्ट टॉपिक इसको कर लें तो ये चैप्टर हो गया रेडियो एक्टिविटी सबसे बेहतरीन चीज है जैसे मैंने आपको बताया कि नेचुरली ऑकरिंग यूरेनियम डीके करता रहता है और ये डीके वैसे तो हमें दिखेगा नहीं नॉर्मल यूरेनियम की रॉक इस तरह से दिखेगी नेचुरली ऑकरिंग यूरेनियम कुछ डीके ज्यादा दिखाता नहीं नेग्लिजिबल इट्स नॉट इवन दैट हार्मफुल लेकिन उसमें हम कुछ अगर चेंजेस लाएं जैसे जो नेचुरली ऑकरिंग यूरेनियम होता है ना इसमें दो आइसोटोप्स होते हैं दो आइसोटोप्स कौन कौन से 236 एंड 235 थर्टी फाइव सो टू और सॉरी 238 और 235, थर्टी फाइव सो टू जो होता है 238 थर्टी आइसोटोप जो होता है वो बहुत ज्यादा मात्रा में होता है इट इज अराउंड 99.3% 238, परसेंट जबकि जो 235 होता है उसका जो न्यूक्लियर रिएक्टर हम देखते हैं जो न्यूक्लियर बॉम्ब देखते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब में ऐसा नहीं कि बस ये यूरेनियम को पीसा और डाल दिया बॉम्ब बना दिया ऐसा नहीं होता इसमें निन्यानवे पॉइंट तीन प्रतिशत तो वेस्टेज है ये टू थर्टी एट कोई काम का नहीं है ये चेन रिएक्शन नहीं करता चेन रिएक्शन नहीं करता तो कोई भी काम का नहीं होगा ये और right? तो ये किसी भी काम का नहीं है तो फिर क्या काम का है जो काम का है वो है टू थर्टी फाइव एनरिस्ड एनरिस्ड यूरेनियम मेन चीज है तो जब नाइनटीन फोर्टी फाइव में एटॉमिक हमला किया गया परमाणु बम गिराया गया जापान के ऊपर हिरोशिमा नागासाकी पे आप सबको पता ही है तो एट्थ अगस्त 1945 सब लोग इस डेट को जानते हैं जब वो बॉम्ब गिराया गया तो उसके लिए यूएस ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम था मैन प्रोजेक्ट आपको पता ही होगा इस प्रोजेक्ट के बारे में कई फेमस साइंटिस्ट पे काम किए इंक्लूडिंग रिचर्ड फाइनमैन और इस प्रोजेक्ट का एक ही मकसद था कि एनरिज यूरेनियम एक्सट्रैक्ट करना नेचुरली ऑकरिंग यूरेनियम से एनरिज यूरेनियम निकाल लें और प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट थी देखो कितनी कम एफिशिएंसी होगी पॉइंट परसेंट निकल रहा है और आपको हैरानी होगी कि जब उन्होंने ये प्रोसेस शुरू करी उस समय क्या तरीका था मास स्पेक्ट्रोमीटर पढ़ाया आपने मैग्नेटिज्म में क्या करते थे दोनों आइसोटोप्स को मैग्नेटिक फील्ड में फेंकते थे तो दोनों का रेडियस क्या होता था अलग 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 रेडियस बड़े मास वाले का बड़ा रेडियस तो 238 इधर कलेक्ट हो रहा था 235 इधर कलेक्ट हो रहा था मैग्नेटिक फील्ड लगा रखी थी ऑलराइट right. तो ऐसा करने से आउट ऑफ द प्लेन दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट आई एम सेइंग इज कि कैसे एक्सट्रैक्ट किया दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट तो आप बताइए यहां पर एक कंटेनर लगा दिया 235 आया यहां पर एक कंटेनर लगा दिया 238 आया इसको बोलते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर मैग्नेटिज्म में जो पढ़ाया जाता है है ना साइक्लोट्रॉन अलग चीज है साइक्लोट्रॉन तो होता है एल जिसमें प्रोटॉन को एक्सलरेट करके टकराया जाता है न्यूक्लियस से वो तो मैंने जो आपको शुरुआत में बताया लेक्चर की वो अभी रिसर्च चल रही है एल एच वो अलग चीज है साइक्लोट्रॉन इज डिफरेंट दिस इज मास स्पेक्ट्रोमीटर यहां पर हमारा मकसद एक्सेलरेट करना नहीं है यहां हमारा मकसद सेपरेट करना है आइसोटोप्स को आप हैरान होंगे कि जब ये मेथड लगाई और सारी लैब्स वहां पर लगा दी गई सिर्फ एक छोटी लैब नहीं कई मल्टीपल लेवल्स पे ये काम कर रहे थे फिर भी बताइए कितना आपको हैरानी होगी जान के कि कितना यूरेनियम कलेक्ट हुआ 235, थर्टी फाइव हार्डली वन माइक्रोग्राम पर डे हार्डली वन माइक्रोग्राम ग्राम पर डे न्यूक्लियस जो था सॉरी 235 जो यूरेनियम था वो कलेक्ट हो रहा था और आपको पता है रिक्वायरमेंट कितनी थी कितना बम गिराया था हिरोशिमा नागासाकी पे, 50 किलो पचास किलो एनरेज यूरेनियम गिराया था और एक दिन में एक माइक्रोग्राम कलेक्ट हो रहा था तो आप सोच सकते हैं कि, कि कितना भयंकर यह धमाका रहा होगा कि जिसको निकालने में इतना एनर्जी लगती है इतना एफर्ट लगता है कि वन माइक्रोग्राम निकले टेन रेस टू माइनस सिक्स और वो भी ग्राम्स में <laughs> तो इसीलिए बहुत ज़्यादा बड़ा धमाका था ऐसा कहते हैं कि यूरेनियम का एक किलो जो मटेरियल है वो उतना बड़ा धमाका करता है जितना बीस हजार टन टीएनटी करता है बीस हजार टन टीएनटी के बराबर सिर्फ एक किलो यूरेनियम धमाका कर सकता है दैट्स दी पावर ऑफ यूरेनियम एंड न्यूक्लियर बॉम्ब इसलिए सब डरते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब से है ही ऐसा और उसके बाद जो मैंने बताया कि डी वगैरह में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो अलग है दैट्स अ डिफरेंट थिंग है ना तो ये जो चीज़ हो रही होती है ना ये नेचुरली ऑकरिंग यूरेनियम में मैं आपको बता रहा था कि नेचुरली ऑकरिंग यूरेनियम इज नॉट दैट रेडियो एक्टिव उसका जो 235 वाला पार्ट है दैट इज हाईली रेडियो एक्टिव ये अगर किसी को एक्सपोज करा दिया तो फिर तो भाई उसको कैंसर होना पक्का है ये रॉक अगर आपने किसी को दिखा दी यूरेनियम की तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा बिकॉज इसमें बहुत नेग्लिजिबल है टू ठीक है एनरिस्ट का थोड़ा सा अगर आपको ये एक्चुअली भी ये एनरिज नहीं है लेकिन ये काफी मात्रा में रिफाइंड है हाईली रिफाइंड यूरेनियम तो ये हाईली रिफाइंड यूरेनियम कुछ इस तरह से इसमें थोड़ा बहुत कॉपर सल्फाइड भी मिलाया गया है बहुत सारी चीजें करी गई है बट आप कह सकते हैं कि नेचुरली रॉक से ये वाला ज्यादा है अच्छा अब मैं आपसे कह रहा हूं कि रेडियो एक्टिविटी आप आज ही करना चाहते हैं या मैं इसको स्प्लिट करके अगले लेक्चर में फिर से कर दू अगले लेक्चर में फिर से कर दूँ रेडियो एक्टिविटी नाम से क्योंकि ग्यारहवीं बज चुकी है और काफ़ी लोगों की एनर्जी डाउन हो गई है सो so, परसों रात को लेक्चर में हम कर लें इसको रेडियो एक्टिविटी के लिए लेके तो मैं बहुत सारे आया हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ कि फिर उसके बाद आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के बारे में भी बताऊँ बहुत सारी चीज़ें हम करें आज करेंगे तो बारह बजे तक निकल जाएगा है ना तो इसी रेडियो एक्टिविटी कराने में कम से कम अभी एक घंटा और लगेगा अगर अच्छे से करें तो इसीलिए मैं चाहता हूं एडवांस के सवाल भी हैं बहुत सारे जेई एडवांस के सवाल भी मैं लेके आया हूं तो बेटर है कि डे आफ्टर टुमारो हम इसको रख लें नाम होगा मॉडर्न फिजिक्स रेडियो एक्टिविटी नाम से ठीक है ज्यादा बेटर रहेगा चलो फ्रेश भी आएंगे आप लोग है ना प्लीज रिमेंबर डे आफ्टर टुमारो इसको रेडियो एक्टिविटी को कंटिन्यू करेंगे विद द टॉपिक नेम रेडियो एक्टिविटी है ना चलिए तो मिलते हैं वहां पर यार आज के लिए यहीं पर रुकते हैं और आ, टाइम यही रहेगा रात को नौ बजे सो डे आफ्टर टुमारो नाइन पी एम प्लीज रिमेंबर रेडियो एक्टिविटी विल बी कंटिन्यूड है ना अभी बस आपको कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें वो बता के आज का तो हम यहीं पे एंड करते हैं ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो जिसमें सारी इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट ऑल द क्लासेस दैट हैपन डी पी पी नोट इंस्टेंटली इस टेलीग्राम में अपडेट हो जाते हैं अभिलाष शर्मा आई टी जी विच इज ऑल्सो द इंस्टा आई डी एज वेल एंड अनडमी आइटम्स भी ज्वाइन कर लें दोनों कर लें एंड इसके अलावा अगर आप प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हैं जहां पर यू विल गेट पर्सनल गाइडेंस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ टेस्ट एनालिसिस भी टेस्ट जो दे रहे हो उसका एनालिसिस मिलेगा स्टडी मटेरियल मिलेगा या आइकॉनिक के कुछ फ़ायदे हैं अगर ये आप लेना चाहते हैं या फिर प्लस लेना चाहते हैं जिसमें टेस्ट देने को मिलेंगे अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा आप प्लेटफॉर्म पर आके पढ़ सकते हो अगर इसमें आप आना चाहते हो दोनों में से किसी में भी आना चाहते हो तो एक कोड है जो आपकी मदद करता है एंड दैट इज अभिलाष अगर आप अभिलाष कोड डालें ये इंटरफेस खुलेगा ऐप का यहां पर जैसे खुलेगा नीचे पूछता है डू यू हैव अ कोड तो वहां पे ये डाल देना तो आपको इमीजिएटली मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा मजा आ गया आज के लेक्चर में चलो बढ़िया बात है अब आज 28 तारीख तक आखिरी दिन है दोस्तों टुडे तो इज द लास्ट डे ट्वेंटी फेब जब आप थ्री मंथ्स और सिक्स मंथ्स पे बेनिफिट उठा सकते हैं आपको इसके लिए कोड यूज करना है अभिलाष जैसे ही आप अभिलाष कोड यूज करेंगे आपको एक बहुत ही जबरदस्त बेनिफिट मिलेगा दोनों सब्सक्रिप्शन पे थ्री मंथ्स एज वेल एज सिक्स मंथ्स थर्टी थ्री परसेंट ऑफ ट्वेंटी एट परसेंट ऑफ इतने तगड़े तगड़े डिस्काउंट चल रहे हैं सिर्फ आप लोगों के लिए क्योंकि अब तीन और छह महीने क्रूशल हैं आपके प्रिपरेशन के लिए तो आप प्लेटफॉर्म पे आ जाइए इसके थ्रू डोंगेट टू यूज दिस कोड टू अवेल दी लाइट है ना जो टेस्ट देने के लिए लाइट में भी तो इसको भी आप यूज कर लें इसमें भी आप आ सकते हैं एक नंबर भी अन अकेडमी ने लॉन्च कर दिया है जहां आप अपने कोई भी क्वेरी रिलेटेड टू प्रिपरेशन सब्सक्रिप्शन एनीथिंग आप यहां पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ठीक है यहां पर भी आपसे कोड पूछेगा यू कैन गिव द कोड अभिलाष एंड आस्क डाउट फीचर है ऐप और वेबसाइट दोनों पे जहां जाके आप पूछ सकते हैं अपना डाउट डाउट तीन एक बार में अपलोड होते हैं प्रीफर्ड लैंग्वेज में सोल्यूशन मिलता है एंड प्लीज पढ़ते रहें रिजल्ट प्रोड्यूस करें इस वीडियो को लाइक भी कर देना अभी तक लाइक मुझे कम दिख रहे हैं सो डू लाइक द वीडियो एंड बस मिलते हैं परसों मिलेंगे रेडियो एक्टिविटी के साथ और कल मिलेंगे क्रैश कोर्स का लेक्चर ग्रेविटेशन के साथ तो रोज ही अब हम मुलाकात होगी है ना रोज मुलाकात होगी चलो तो मिले दोस्तों गुड बाय सर एक डाउट है वाई डज बीटा पार्टिकल एनर्जी? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर से निकला है अभिराज न्यूक्लियस के अंदर से निकला है न्यूक्लियस के अंदर इतनी एनर्जी होती है प्लस न्यूट्रॉन के प्रोटॉन में कन्वर्ट होने की वजह से निकला है तो ये जो रिएक्शन है ना म्यूटेशन न्यूट्रॉन से प्रोटॉन का ये रिएक्शन भी अपने आप में बहुत तगड़ी हैवी रिएक्शन है राइट right? तो इसीलिए इतना एनर्जेटिक होता है और किसी का कोई डाउट सर आपने कहा था कि न्यूट्रॉन ज्यादा होते हैं तो स्टेबल होता है फिर न्यूट्रॉन क्यों कन्वर्ट होता है बीटा डीके में तो उसी के लिए तो मैंने आपको समझाया था हरमन सिंह हरमन सिंह का ये डाउट है मैंने आपको एक चीज बताई थी ना न्यूट्रॉन ज्यादा होते हैं तो स्टेबिलिटी आती है लेकिन कितना ज्यादा आयरन का एग्जाम्पल दिया था छब्बीस प्रोटोन है और तीस न्यूट्रॉन है स्टेबिलिटी तो तो है, है लेकिन मान लो तीस के बजाय बत्तीस हो जाए तो अब ज्यादा से भी बहुत ज्यादा हो गए रिक्वायर्ड से भी ज्यादा नंबर हो गया तो अब तो न्यूट्रॉन को कन्वर्ट करना पड़ेगा ना प्रोटॉन में समझ रहे हो आयरन फिफ्टी एट थोड़ी स्टेबल होगा आयरन फिफ्टी सिक्स स्टेबल होगा दैट्स द रीजन ओके किसी का और डाउट सर कल के स्पेशल पे फर्स्ट लेसन इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या हाँ स्पेशल में भी मैं कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ दोस्तों स्पेशल पे लॉन्च करने वाला हूँ ट्वेल्थ के इलेक्ट्रो मैगनेटिज्म वगैरह तो उसके बारे में अपडेट मैं आपको इसी टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा कि वेन द सीरीज इज स्टार्टिंग एंड एवरीथिंग इस टेलीग्राम चैनल में आपको वो इंफॉर्मेशन मिल जाएगी ठीक है कल तो मोस्ट प्रोबेबली नहीं रहेगी परसों या हाँ परसों से शुरू करेंगे उसको ठीक है चलो और किसी का कोई डाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक का वन शॉट भी लीजिए ठीक है हरमन यहाँ नहीं तो जैसे मैंने कहा ना हरमन मैं स्पेशल क्लास में उसको पढ़ाऊंगा स्पेशल क्लास एब्सोल्युटली फ्री होती है आपको बस ऐप आप पे जाना है अभिलाष कोड उसमें डाल देना है फ्री में अनलॉक हो जाएगी है ना तो वहां पे भी हम उसको पढ़ सकते हैं ठीक है और कुछ किसी का डाउट चलिए गुड नाइट दोस्तों मिलते हैं हम लोग कल और परसों दोनों दिन मिलेंगे गुड बाय ऑप्टिक्स <laughs> पूरा क्यों नहीं है ऑप्टिक्स पूरा है जयनंदन एक प्रिज्म और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का अलग से लिया हुआ है तो देखो फिर से आप लोगों को बता दूं कि कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना हो और आपको उसका वन शॉट नहीं मिल रहा है तो टॉपिक का नाम डालो मेरा नाम डाल दो और आपको वो टॉपिक सर्च होके आ जाएगा ठीक है सो बार बार मैं आपको यही कहता हूं कोई भी टॉपिक हो आप उसमें ढूंढ सकते हो इन यूट्यूब सर्च बार चलिए गुड नाइट आई हैव अ डाउट इन स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर स्पेशल क्लास में ले लेंगे अभिजीत है ना ओके गुड बाय गुड नाइट